भाईजान, भाईजान, भाईजान। क्या हुआ अशोक? भाईजान कहाँ हैं? क्या है? भाईजान, बम फट गया भाईजान। अपनी बंजर जमीन में बम फट गया। बम? हाँ भाईजान। पे खोदो। अरे खोदना, हमका डर लागत है। नहीं साहब, रिस्क है। देखा आपने, कुत्ता भी डर के वहां से हट गया, कहीं कोई बम वगैरह ना हो। सर वो फावड़ा देना। सर, सर खतरा है सर। रहने दीजिए सर। सब लोग पीछे हट जाओ। कम ऑन सर, संभल के सर। सॉरी सर। पांडे, सब्जी का खुदवा। यस सर, सुधाकर जाके देखो। ठीक है। नमस्ते सर। सलाम। यही जमीन के मालिक है सर, हुसैन साहब। मलबार स्टील कॉम्प्लेक्स, प्लाईवुड, फर्नीचर, ऐसा कोई धंधा नहीं जो ये ना करते हो। जानता हूँ। चलिए ले लाओ, आहिस्ता से दो, कहीं नीचे ना गिरे। ये जमीन आपकी है ना? जमीन मेरी है, लेकिन इस पर कब्जा करके रहता था भास्कर, छोटा भास्कर। वो दारू का धंधा, जुआ जैसे तमाम काले धंधे इस कुटिया में रह के करता था। एकदम बंजर जमीन, ऊपर से भास्कर छटा हुआ बदमाश, इसलिए हम चुप रहते थे। हाल ही में जब कॉलेज की बात आ गई तो बड़ी मुश्किलों के बाद उसे यहाँ से निकलवाना पड़ा। मेरी खुद की जमीन से उसे निकालने के लिए मुझे 50,000 रुपये खर्च करने पड़े, वो भी एक महीना पहले ही। उससे पहले यहाँ क्या होता था मैं नहीं जानता। वो बक्सा लाओ। इतना बड़ा एक गुंडा जो बरसों से आपकी जमीन पर रह रहा था, तो ये कैसे माने कि आपकी मर्जी के खिलाफ है? सर, आपके शक के मुताबिक वो बम मैंने रखवाया है, तो मैं खुद इन मशीनों को उस पर चढ़ाकर उस बम को फटने देता। यकीन मानिए, छोटे भास्कर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, बहुत सारे वेपन्स हैं। ला हौल वला कुव्वत, ये मैं क्या देख रहा हूँ? छोटा भास्कर, छोटा भास्कर है क्या? है तो। बाहर बुलाओ से। किस लिए? क्या बात है? तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। किस लिए? वो हम स्टेशन पहुंचकर बताएंगे।
तुम मुझे जहाँ बुलाओगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। जिसको मुझसे बात करनी है वो यहाँ है। यानी तुम नहीं चलोगे? नहीं। तो सुनो, तुम्हें लेकर ही हम जाएंगे। तो लेकर जा। पुलिस पर हाथ ना रखा। डॉक्टर साहब एक डाउट है, इस हालत में ये दारू पी सकता है? ये दारू पिएगा? दारू नहीं, सिर्फ ब्रांडी पीता हूँ मैं। तू नहीं क्वार्टर चलेगा? व्हाट नॉनसेंस। क्या नॉनसेंस, डॉक्टर पी सकता है, पेशेंट नहीं पी सकता? मेरी लाजवंती, ऐसा दर्द हो रहा है कि पूछो मत, इसके लिए दवा मंगा रहा था। ज्यादा रो मत, यहाँ के चीफ डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ। मामूली सा जख्म है, शाम को ही डिस्चार्ज कर देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। ऐसा कहो जालिम ने, उसकी बातों का विश्वास मत करना। मेरा माशा पूरी तरह डैमेज हो गया है। ईसीजी स्कैनिंग वगैरह करा के पूरी बॉडी की जांच करा के। क्यों, पोस्टमार्टम ही करा देंगे? और फिर क्वार्टर में मत रोकना, फुल बॉटल ही पी लेना, ब्रांडी हो, विस्की हो, पॉइजन हो, कुछ भी। और पतिदेव जख्मी हालत में हॉस्पिटल में हो, बीवी ने आके देखा तक नहीं, ऐसी शिकायत ना सुनूं इसलिए आई हूं। मुझे ड्यूटी है, मैं जा रही हूं। भैया आ रहे हो क्या? आ रहा हूं। बड़े पतिदेव।
सर, स्टेट गेस्ट होते मुख्यमंत्री की इमरजेंसी मीटिंग शुरू होने वाली है, आप नहीं जाएंगे? क्यों, समोसा और जलेबी खाने के लिए? हमें और कोई काम नहीं है वर्मा। वो छोटा भास्कर क्या बोल रहा है? एक राउंड पूरा हो गया पर अभी तक मुंह नहीं खोला। सर, हमारे सादे मुक्के का कोई असर नहीं हो रहा है, लगता कोई नया तरीका अपनाना होगा। यस, स्पीकिंग। मैं शिव कुमार, मुख्यमंत्री जी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी। सर, सीएम साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। वो यही गेस्ट हाउस पर ही ठहरे हुए हैं। मैं बस अभी पहुंचता हूं सर। क्या सोचकर तुमने भास्कर को गिरफ्तार किया है? सारी दुनिया के सामने उसकी बुरी तरह पिटाई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? सर वो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। भास्कर को फौरन रिलीज करो, कोई भी केस चार्ज मत करना, नहीं तो तुम्हारे सर पे टोपी नहीं रहेगी। सर, जब आप कहेंगे तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। सर बस अभी छोड़ता हूं। सर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम में से किसी को चाकू मार के हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को यूं ही छोड़ देंगे क्या? किसने कहा यूं ही छोड़ दो, पूरी खातिरदारी करके छोड़ो। मैं अभी आता हूं। मार मार के झंडे उड़ा दो। मिस्टर बलराम, मैंने एक शिकायत दर्ज की थी, उसका क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया आपने? कौन सी शिकायत? ओहो, आपको इतना भी याद नहीं कि शिकायत क्या थी? मैं यहाँ की एमएलए हूँ, बावजूद इसके उस पर गौर करने की आपको फुर्सत नहीं मिली तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा? मैडम प्लीज बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे बारे में गलत कहानियाँ छापने वाले जुर्म पत्रिका का एडिटर है ना शिंदे, उसके हाथ पांव तोड़ देने चाहिए। आइंदा किसी के बारे में भी बुरा लिखने के लिए उसके हाथ कभी ना उठ पाए। माफ कीजिए मैडम, आपका ये काम यहाँ के किसी किराए के गुंडे या मवालियों से करवाना ही बेहतर होगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ऑफिसर की माकत मेरे सामने मत करना। हवालात में आपने जिस नौजवान की टॉर्चर करके जान ली थी, वो केस दोबारा खोलने के लिए जनता आंदोलन करने वाली है। पिछली बार की तरह आप बच नहीं पाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से गवर्नमेंट की आज तक बेइज्जती होती आई। बस कीजिए, आपकी शिकायत के मुताबिक मैंने जुर्म पत्रिका पढ़ी है। आपने शादीशुदा होने के बावजूद बाहर कई लोगों के साथ नाजायज संबंध रखे हैं और नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपए हड़प लिए, ऐसा भी उसमें लिखा है और मुझे पता चला है कि उसमें काफी कुछ सही है। बलराम। मैडम, अगर आपकी बात मानकर उस एडिटर के खिलाफ कार्रवाई की तो वो अदालत जाएगा और वो पूरे सबूत के साथ ये साबित करेगा कि उसके सभी इल्जाम सही हैं। और एमएलए और समाज सेविका बनकर रहने वाली ये आपके लिए बेइज्जती होगी, आप बदनाम हो जाएंगी। आप बदनाम होना चाहती हैं? एमएलए, मैं मुख्यमंत्री के बुलाने पर आया हूं। चलो। सर। ओ, बलराम, एक जरूरी काम सौंपने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। यहाँ बरामद किए हथियार और बम्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, पूरे स्टेट में इसे तहलका मचा हुआ है। कोई सुराग मिला? सर, डीवाईएसपी एलेक्स जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में थे, आप जानते होंगे, वो किसी केस में बुरी तरह फंसा हुआ है ना, सुना है कि मिसिंग है? जी हाँ सर, गोवा पोर्ट से एक कंटेनर भर के एक्सप्लोजिव और वेपन अनलोड होने की रिपोर्ट मिली थी, ऐसा एक बार एलेक्स ने कहा था मुझसे। हुसैन भाई की जमीन से मिले हथियार उसका एक हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा मुझे और भी शक है सर। शक करने से काम नहीं चलेगा, आई वांट रिजल्ट। इसलिए इस केस की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंपने का फैसला किया है, स्पेशल स्क्वाड नहीं, पर अपनी मदद के लिए जिन्हें भी लेना चाहे डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं, और कोई फैसिलिटी की जरूरत हो तो सरकार देगी। सर, ये डीआईजी शर्मा से आपकी क्या दुश्मनी है? ये केस आपको सौंपने में वो एकदम खिलाफ थे, लेकिन डीजीपी सहित सब लोगों ने आपका नाम रिकमेंड किया। सर, अब आप कुछ और भी कहना चाहेंगे? खुलकर बोलने की इजाजत हो तो मैं बोलूं। अच्छा बोलिए। इस केस से संबंध रखने वाले एक गुंडे को गिरफ्तार करने पुलिस गई तो उसने उन पर हमला किया, एक एसआई को उसने घायल भी कर दिया। सुना था? बड़ी मुश्किल के बाद हमने उसे गिरफ्तार किया, उसके बदले में हमें जो इनाम मिला है वो है बेइज्जती। गिरफ्तार करके ले गए मुजरिम को छोड़ने का हमें हुक्म मिला। किसने ये हुक्म दिया आपको? नकली दारू बनाने वाले, प्रोस्टिट्यूट्स को सप्लाई करने वाले, गाड़ियां चुराकर नंबर प्लेट और उसका शेप बदलकर अपने नाम पर आरसी बुक बनाने वालों का साथ देने वाला आदमी इन सबसे बड़ा क्रिमिनल होगा ना सर? हाँ, कौन है वो? यही तो खड़ा है। कह रहा था कि उसका काम नहीं किया तो मेरे सर पे टोपी नहीं रहेगी। ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? सर, ये माफिया कॉलोनी वाला भास्कर है, पिछले चुनाव में उसने हमारे लिए कई बूथे। चीची, वो बात यहाँ क्यों बोलते हो? जाओ। मिस्टर बलराम, यू कैन प्रोसीड एज ए सेट, कोई दखलंदाजी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। hey,
तुम सीएम को मेरे बारे में क्या क्या पट्टी पढ़ा रहे थे? मैंने जो बोला था वो सही था, और भी बोलो। और भी बोलोगे? केस अंदर भेजो। You are not at all practical, Balram. Always making a headache for the department. तुमने उस शिव कुमार को मारा है ना? कौन सा शिव कुमार? Political secretary. अच्छा वो शिव कुमार मारा सर, हालांकि एक ही मारा था, लेकिन अब लग रहा है कि उसे दो चाटे और मारने चाहिए थे। बलराम गलत काम करके रुबाब दिखाते हो। मैंने पूछा शिव कुमार को क्यों मारा? पहले से ही मैंने गलत काम किया ये करार दे रहे हैं तो कोई जवाब नहीं है सर, लेकिन क्या हुआ था ये जानने के लिए पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। जंगलों में लकड़ी काटने वाले, स्पिरिट का धंधा करने वाले, ड्रग स्मगलिंग करने वाले जैसे सैकड़ों एंटी सोशल एलिमेंट्स के गॉडफादर है वो। यही नहीं सर, हर स्कैंडल में वो शामिल है सर। किसी ने तुमसे कहा है कि इन पे तहकीकात करो? नहीं, किसी ने नहीं कहा सर, कोई कह ही नहीं सकता। शिव कुमार के खिलाफ एक मामूली केस चार्ज करना यहाँ के बड़े बड़े अफसरों के बस में नहीं है सर। पूरे सबूत के साथ मैंने उसके करतूतों के बारे में आपको खबर की, फिर भी आपने कार्रवाई नहीं की। बालो, दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपनी गलतियों को जायज मत बनाओ। नहीं सर, मैंने उसको मारा वो मेरी गलती नहीं है। अगर आपकी राय में कुछ और है तो मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए। मैं जब कभी भी अच्छा काम करता हूँ तो बदनाम ही होता हूँ। ये सवाल, ये इल्जाम, ये सजा बहुत हो गया। I'm fed up of this ugly procedure. बालू अब कुछ मत बोलिए, मुझे सजा दीजिए, फिर मैं अदालत जाऊंगा, वहाँ प्रूफ करूंगा कि शिव कुमार जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है वो मुख्यमंत्री से, दूसरे मंत्रियों से और पॉलिटिकल लीडरों से किस तरह फायदा उठाता है। या तो उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करता होगा, या फिर गलत कामों से जो करोड़ों रुपए कमाता है उसमें से उनको हिस्सा देता होगा। इसे प्रूफ करने के लिए मुझे एक मौका दीजिए सर, प्लीज। कूल डाउन बालू, तुमने शिव कुमार को मारा है तो इसमें कोई गलती नहीं मानता हूं मैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी को किसी ने मारा तो डीजीपी को पूछताछ करनी होगी ना, इसीलिए मैंने पूछा। तुम जा सकते हो। हाँ बलराम, तुमने कहा ना उसे दो चांटे ज्यादा मारना चाहिए था, अगली बार दो नहीं चार लगा देना। अरे इसे अभी तक छोड़ा नहीं? अभी तक कुछ नहीं बताया सर। अरे किसी को मारने की लिमिट होती है भाई, उतारो उतारो उतारो। पूछोगे तो भास्कर क्यों नहीं बताएगा? अरे भास्कर, ये ठाकुर साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए ठाकुर साहब पूछिए, जरा तमीज से पूछिएगा। मिस्टर भास्कर, हुसैन साहब की जमीन से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। अरे ये बैल नहीं है ठाकुर साहब, ठीक से पूछिए, सलीके से पूछिए। सलीके से पूछने पर ही भास्कर जवाब देगा। अरे बोलना। रिवॉल्वर मुंह में घुसाओगे तो कैसे बोलेगा वो? अरे भाई उसके बगैर भी तो वो बोल सकता है। अब बोल। देखो मैं सिर्फ बातें करता हूँ, लेकिन ठाकुर साहब राजघराने के, वीर परिवार जिसमें जान लेना देना आम बात है। ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। चलो पूछो पूछो पूछो। बोल, हुसैन साहब की जमीन से तुम्हारा क्या संबंध है? जो बात मैं नहीं जानता वो मैं कैसे कहूंगा? अगर आपको जानना ही है तो सलीम से पूछिए। कौन है ये सलीम? उस जमीन का मालिक हुसैन साहब का बेटा। उस जमीन में मैंने दारू बनाने के लिए एक झोपड़ा बनवाया था, लेकिन मैं वहां नहीं रहता था, सलीम वहां मीटिंग करता था। अपने और बाहर के देश के बहुत सारे नौजवान वहां उससे मिलने आया करते थे। सर बकवास बंद, शरीफ घराने के लड़के पर इल्जाम लगाया तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा कमी। उस्मान, बम बनाना और लोगों को मारना मेरा काम नहीं है, मैं उग्रवादी नहीं। सलीम के बारे में आपने जो कहा हो सकता है वो सच हो, उसकी कई हरकतों पर मैं रजामंद नहीं था। मैं मानने लगा था कि सलीम मेरा बेटा ही नहीं है। बेटे से नाराज होने की कोई खास वजह? हमारी जमात में दो गिरोह हैं, हम पुराने ख्यालात वाले और नए ख्यालात वाली नौजवान नस्ल। एक बार मस्जिद में दोनों गिरोह के बीच बहस हो गई थी। उनकी मांग थी कि मस्जिद में नमाज के लिए औरतों को भी इजाजत दी जाए। जुम्मा के दिन होने वाला खुतबा यानी प्रवचन अरबी में नहीं होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, कहकर झगड़ने लगे। बहस के आखिर में हमारे साथ जो मौलवी थे उन्हें सलीम ने मारा। सब लोग मुझ पर इल्जाम लगाने लगे। उस गुस्से में मैंने उससे कहा कि घर से निकल जाओ, और वो चला गया। सोचा था दो दिन बाद लौट आएगा, पर वो नहीं आया। बाद में सुनने में आया कि गलत लोगों की सोहबत में रह के मुल्क का दुश्मन बन गया है। ये कौन है? ये उसकी अम्मी और वो उसकी बेगम। उस वाकये के बाद सलीम आपसे कभी मिलने आया या फोन पर कांटेक्ट किया है? नहीं, उसकी और उसके फोन की मैं रोज राह देखती हूँ, वो भी उसके अब्बा की तरह जीती है, उसके इंतजार में मैं दिन रात।
दिल का दर्द दिल में छुपाए बैठी हूँ, लेकिन घुट घुट कर रहने वाली इस मासूम की शक्ल देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन साहब, सलीम कहाँ है ये आप जानते हैं? वो टेररिस्ट बन गया, इसीलिए आप उसे जानबूझकर छुपा रहे हैं। नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। हम फिर आएंगे। सर क्या है? बड़ी मुश्किल होगी ना? क्या उस लड़की की बात? इतनी कम उम्र में अपने पति से अलग होकर रहना बड़ी मुश्किल होगी ना? मुश्किल हो रही है। जी हाँ। तुम्हें तकलीफ हो रही है? अब तो मेरे साथ चल रहे हो, उसकी मुश्किल दूर करने यहीं रुक रहे हो? चलो सर। चलो जाके इनके मुंह लग गए। बैठ गया सर। उस्मान सर, हुसैन साहब के घर पर नजर रखना, कौन कौन आ रहा जा रहा उस पर खास गौर करना, डे एंड नाइट। जरूरत पड़े तो इन्फॉर्मर भी रख लेना। ओके सर। लाजवंती और सुधाकर, बम फटने वाली जमीन के आसपास कोई शिनाख्त मिलता है कि नहीं देख लेना। यस सर। फिलहाल इतना ही, अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना। हमको भी चालती है ना? सॉरी सर। मुझे कुछ शक है सर। हाँ कहो। सर आपके कहे मुताबिक हुसैन साहब के इर्द गिर्द और जमीन तक इस तहकीकात को सीमित रखना की अकलमंदी होगी? शुरुआत तो करने दो, यही पूछना था। नहीं सर। तो फिर इस घटने की वजह से हमें मुस्लिम आतंकवादी गुट पर ही नजर रखनी है ना सर? हाँ तो? तो इस तहकीकात की टीम में ऐसे उस्मान नहीं होना चाहिए। वजह? वो मुसलमान जो ठहरा। दुनिया भर के तमाम मुसलमान आतंकवादी नहीं है मिस्टर वर्मा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा ही उस्मान को मैं तब से जानता हूँ जब वो कांस्टेबल थे। आप मुझसे ज्यादा उन पर भरोसा कर सकते हैं। हमें जज्बात से नहीं, दिमाग से काम करना चाहिए। अंडरस्टैंड सर? 425-12 ना? आ रहा हूँ साहब। हमने जो कहा वो याद है ना? याद है साहब। हुसैन साहब के घर पर कौन कौन आता जाता उस पर पूरी नजर रखने के लिए तुझे भेज रहा हूँ। उस दुकानदार को शक हुआ तो? शक तो हमें है तुम पर, लेकिन उनको कोई शक नहीं होगा। बीच बीच में फोन करके खबर करते रहना। ये लो फोन। जी ठीक है, तुम जाओ। चलो कैलाश निकर ग्रुप की राइफल है ये, AK-47 सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल, कैलिबर 5.45 mm। मिस्टर बलराम, आपने इससे पहले शायद 1.5-2 साल पहले एक रेड के दौरान किसी जीप में से बरामद कर कुछ राइफलें हमारे पास भेजी थी ना? Yes. ये भी उसी ग्रुप की है, सेम बैच। नहीं सर, ये तो खुदाई में मिले हथियार। वो जो भी हो, लेकिन दोनों का सीरियल नंबर एक ही है, आई एम श्योर। थैंक यू। आप क्या सोच रहे हैं सर? मेरी बेटी की मौत कैसे हुई थी जानते हो? जानता हूँ, वो किसी एक्सीडेंट में। वो एक्सीडेंट नहीं था, उस बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने जिस रेड के बारे में कहा, उस रेड में हमने वेपन्स सीज किए थे, लेकिन उस शूटआउट में वैन का ड्राइवर मारा गया था। उसके अगले दिन सुबह में। ये क्या? आज आप मुझे जीप में स्कूल छोड़ने वाले थे ना, अभी तक तैयार नहीं हुआ। बेटा मैं एक जरूरी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, कल ड्रॉप कर दूंगा। हाँ। कर दूंगा ना। पक्का? हाँ पक्का। श्योर? श्योर। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज अ डेलिबरेट मर्डर। ये आप कैसे जान गए सर? उसके बाद एक फोन कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आपने हमारे एक आदमी को मारा तो हमने आपकी बेटी को मार दिया। किसने फोन किया था सर? उन्हीं लोगों ने किया था। हेलो सर। यस सर, DIG मिलना चाहते हैं। बैठो। इट्स ओके सर। उन हथियारों की तहकीकात CM ने तुम्हें सौंपी है ना? जी सर। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारे सपोर्ट में बस मैं ही एक था। ये तो मैं जानता हूँ सर, CM ने मुझसे कहा था, आपने मेरी बहुत सिफारिश की थी। ठीक है, स्क्वाड में कौन कौन है तय हुआ? जी सर। UC बलराम, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुम अकेले इसे संभाल नहीं पाओगे। DYSP जॉर्ज है वहां पे, यहां भेजो। जॉर्ज विल असिस्ट यू।
बलराम की इस तहकीकात में तुम्हें साथ देना होगा, ठीक है? मुझे तो मंजूर है, लेकिन बलराम को ये मंजूर है या नहीं मैं नहीं जानता। नहीं सर, मुझे मंजूर नहीं। वजह? यही कि इनके साथ काम करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। इसमें तुम्हारा फैसला काफी है? इस मामले में काफी है सर, सीएम की तरफ से मुझे पूरी छूट दी गई है। इतना घमंड है तुम्हें? हाँ सर, मैं घमंडी तो हूँ, पर इसमें कौन सी नई बात है। तुम जा सकते हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना सर कि वो नहीं मानेगा। क्या हुआ जॉर्ज, तुम्हें बलराम ने अपने साथ नहीं लिया ना? नहीं, मुझे बेइज्जत होकर वापस लौटना पड़ा। एक तरह से मुझे शामिल ना करके उसने अच्छा ही किया। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल तो नहीं हुए? इसमें पागल की क्या बात है रफीक, तहकीकात शुरू करने दो, उसे खत्म करूंगा मैं। वो कैसे? उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। बस एक ही रास्ता है, एक बार दो टुकड़े, यही मेरा तरीका है। टुकड़े करूंगा वगैरह कहना आसान है, लेकिन ये सब फोन पे डिस्कस नहीं क्या करते, शाम को गेस्ट हाउस में मिलते हैं। जॉन ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? जानकर अनजान क्यों बन रही हो? डीआईजी के जोर देने के बावजूद तहकीकात में जॉर्ज को शामिल नहीं करेंगे कहकर बलराम ने उनकी बोलती बंद कर दी। बलराम ने हुसैन साहब से पूछताछ की, अब उसे सलीम के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। अब वो निशाना साधेगा सलीम पर, उसे हम कैसे गुमराह कर सकते हैं यही सोचना है। यहाँ सिवाय चर्चा के काम तो कभी कुछ होता नहीं है। रानी ऐसा क्यों कह रही हो? उस सलीम की ही बात ले लो, कब से हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो जिंदा है या मर गया ये तक हम नहीं जानते। मैंने इंक्वायरी की बहुत दिनों तक, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच इस तरह कॉलेज बनाने की बात आएगी, उस बंजर जमीन पर खुदाई होगी, ये सब कौन जानता था? जो होना था हो गया, अब यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में मिस्टर बाशा को खबर नहीं करनी? वो तो जान गए होंगे, सभी मीडिया में इसी की चर्चा है। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने खबर नहीं की। तो फिर तुम ही फोन करो। हाय रानी। हाँ बादशाह साहब कहाँ है, बादशाह साहब कहाँ है सभी पूछ रहे हैं। वो कहाँ है मैं भी नहीं जानती, उनका मोबाइल ऑफ है। अगर वो मुझे फोन करेंगे तो मैं बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। और हाँ, तुम्हारे मिनिस्टर मिस्टर मुस्तफ़ा मेरे साथ हैं, एयरपोर्ट से रिसीव करके ला रही हूँ। बादशाह, वो दुबई का कोई बादशाह तो नहीं है ना, तेरे लिए वो बड़ा वो होगा, लेकिन मेरे लिए वो जूते के बराबर है। सुरेश, तुम आसान फरामोशी की बात कर रहे हो, एक मामूली टैक्सी चलाने वाला तुझे बादशाह ने अपने साथ रखकर अच्छी नौकरी दी, बाद में तुझे वर्किंग पार्टनर तक बनाया। उसके बदले में तूने क्या किया? उस आदमी को तूने धोखा दिया। बादशाह की जगह कोई और होता तो तुझे कभी माफ नहीं करता। वो तो हम सब ने मिलकर रिक्वेस्ट किया, इसलिए वे कंप्रोमाइज के लिए तैयार हुए। फिर से तू उनके लिए परेशानी खड़ी करेगा तो ये बात मैं बादशाह से कह दूंगा। तू अभी क्या करने वाला है मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। तुझमें इतनी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ बोलेगा? हाँ बोलूंगा। तो फिर ये भी जाके बोल दे। Oh.
तूने जो हरकत की है तुझे तो खत्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी तुझे पक्ष रहा, दोबारा ऐसी हरकत की तो इन तमाम मौजूद फिल हरम। मिस्टर बादशाह आ गए, आपको बुला रहे हैं। हाँ। वेलकम वेलकम टू दुबई, द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया, प्लीज सिट डाउन। फ्लाइट वक्त पर पहुंच गई, एयरपोर्ट पर गाड़ी आ गई, होटल रूम फाइन, एवरीथिंग वेंट वेल। सब कुछ बढ़िया रहा, अब किसी तरह मेरा काम हो जाए बस। वो तो कभी का तैयार हो गया था, मैंने फैक्स भेजा था ना, इसलिए तो आया हूँ वो ऑर्डर रूबरू लेने के लिए। इसके लिए यहाँ तक आने की जहमत क्यों की मिनिस्टर साहब, मैं खुद वहाँ पहुँचा देता ना। खुद आने से तसल्ली मिलती है। आमतौर पर बहुत ही रेप्यूटेड इंटरनेशनल कंपनीज को ही ऑर्डर देते हैं, लेकिन शेख से करीबी ताल्लुकात रखने वाले मेरे एक दोस्त से ये काम हुआ। पिछली बार जब आप दुबई आए थे तो मैंने आपका तारुफ करवाया था अशरफ बिन सोहेल सुल्तान से। हयात रिजेंसी से मैं एक पार्टी में मिला थे। याद आया। वालेकुम अस्सलाम, अमरुद्दौला खुलतवाना, हाँ ट्रांसशिपमेंट कॉन्ट्रैक्टमेंट जिबलानी, जाली जमा में वजीर। ओ शुक्रन शुक्रन जजीरा, जुमेरात के पहले जबलाली जाकर दस्तखत करने से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। शुक्रिया। आपका टेंशन दूर हो गया ना, अब बताइए क्या क्या हो रहा है वहां पर। हुकूमत करने वाले और अपोजिशन के लोग आपस में लड़े ये आम बात है, लेकिन सुना है कि एक ही पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये कैसी सियासत है? हमारी पार्टी पे लड़ाई के वजह तो आप ही हैं। मैं? वाहिद को राज्यसभा मेंबर बनाने का मशवरा तो आप ही ने दिया था। वाहिद में क्या प्रॉब्लम है? पार्टी तो पैसों के पीछे जा रही है, वाहिद को सियासी तजुर्बा नहीं है, यही शिकायत है उनकी। आपकी पार्टी में कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं ये बताइए, पहले नारा लगाते हैं और छोटे मोटे अहदे मिलने के बाद आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वाहिद के जरिए पार्टी का हमेशा भला ही हुआ है। उसने लाखों नहीं करोड़ों दिए हैं आपकी पार्टी को, और वो पैसा उसकी मेहनत की कमाई है, मेरी तरह स्मगलिंग का पैसा नहीं है उसके पास। और फिर अपना नाम तक लिख नहीं सकने वाले अनपढ़ गवारों को, इलिटरेट इडियट्स को एमपी बनाकर दिल्ली भेजने का क्या मतलब है? वहां जो भी बातें होती ये समझ सकते हैं क्या? उनके सवालों का जवाब ये दे सकते हैं? वाहिद इज एजुकेटेड, आपकी पार्टी की इमेज बढ़ेगी। ये बात वो समझे तब ना। खैर ये बताइए, इंटरनेट सिटी की बात कहां तक पहुंची? प्राइवेट लैंड ओनर्स उस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, शायद कंपलसरी एक्विजिशन करनी पड़ेगी। वो सब मैं नहीं जानना चाहता, मेरे काफी पैसे लगे हैं उसमें। जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश जारी है। कोशिशों में थोड़ा सा जोर और लगाइए, देर होने से बात बिगड़ सकती है और इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, उसके लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। ओ एक बात याद आई मुझे, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद बोलिए ना। वन सेकेंड। जब आप इंडिया पहुंचेंगे तो ये सुप्रिया को देना है और आप खुद ले जाकर दीजिएगा। जी एक बात पूछूं, इस लड़की के साथ रिश्ता जोड़े काफी दिन हो गए हैं, अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसकी कई वजह है, शी इज अ गुड एक्ट्रेस और मैं उसकी रुकावट नहीं बनना चाहता। शौक पूरा होते ही शादी? अदाकारा को बीवी बना सकता हूँ मगर बीवी को अदाकारा कभी नहीं। और फिर शौहर होने की जिम्मेदारी अभी से क्यों पाले? आशिक बने रहने में रोमांस है और बादशाह तो हमेशा से रोमांटिक है। नमस्ते मिली मैडम। नमस्ते मंत्री महोदय। मंत्री जी को अकेले आने में डर लग रहा था, लड़कियों के धंधे जैसे बहुत से स्कैंडल में फंसे हुए हैं, इसलिए मुझे साथ आना पड़ा। तो मिनिस्टर के साथ एस्कॉर्ट बन के आई हो, मुझसे मिलने नहीं आइए। पिछले हफ्ते मैं भाई को मिला था दुबई में, लौटते वक्त उन्होंने आपको ये तोहफा दिया। उन्होंने खास तौर पे कहा है कि मंत्री जी खुद आके तुमको ये सौंप दें, इसलिए बिजी होने के बावजूद मैं खुद आ गया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह कोई कीमती डायमंड ही होगा। Thank you.
खुशियाँ खिलाया करो, इश्क लब से पिलाया करो, मनमीत दो मनमीत लो, दिल हार के दिल जीत लो, हो किस ख्याल में होगी अमर ये दास्तां, चख लेगी सारी जबान। खुशियाँ खिलाया करो, इश्क लब से पिलाया करो। पलता नहीं यूं ही दी भी मचलता नहीं, यूं ही नहीं आता है कोई ख्यालों में, ख्वाब में टहलता नहीं। चाहतों का देखो चंदन, हमसे छुपाया ना करो, ये जमाना जान लेगा, सच्ची बातें छान लेगा। खुशियाँ खिलाया करो, इश्क लब से पिलाया करो। चाहतों की चाशनी दिल में कर लो वफा की रोशनी, जो ना कभी प्यार को बांटता है वो इंसान है ना आदमी। मेरी इन बातों को तुम मान जाया करो, हम यहाँ भी साथ होंगे, हम वहाँ भी साथ होंगे। खुशियाँ खिलाया करो, इश्क लब से पिलाया करो। नमस्ते साहब। कौन, भास्कर? अरे भास्कर तू आ गया। खैर तकलीफ तो उठानी पड़ी, फिर भी तुझे जमानत तो मिल गई ना। आपकी बड़ी मेहरबानी मालिक। हाँ, भास्कर की रिहाई की आज हम खुशी मनाएंगे, लो पकड़ो। हाँ भास्कर, उन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा क्या? दिन रात उन लोगों ने बुरी तरह से मेरी पिटाई की, फिर भी मैंने मुंह नहीं खोला। लेकिन तूने सलीम का नाम लिया ना? वो तो मैं, सलीम को पुलिस ने पकड़ लिया तो खतरा है ना भास्कर, उसने अगर मुंह खोला तो हम सबके सब अंदर हो जाएंगे। मैं भी एक इंसान हूँ साहब, माथे पर बंदूक रखकर पूछा तो जुबान से निकल गए। अरे यार, इसमें भास्कर का कोई कसूर नहीं, उस हालत में हम भी शायद मुंह खोलते। अब आगे भी किसी ने माथे पे या सीने पे पिस्तौल रखा तो बहुत कुछ उगल सकता है ना। लाश के दफनाने की बात, एक लोड हथियार जो छुपाए वो बात, उनमें से काफी कुछ हमने जो हजम किया वो बात है। नहीं नहीं, अब मेरी जान भी जाए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे इसी वजह से तुझे जमानत के बाहर निकाला। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे भास्कर। अरे हाँ, इसलिए इस केस के रफा दफा होने तक तुझे कहीं दूर भेजने का फैसला कर लिया। दूर मतलब? हाँ, बहुत दूर। क्यों विलियम? हाँ बहुत बहुत दूर। भास्कर के कई दुश्मन थे, उनमें से किसी ने इसे मार के गटर में फेंक दिया। हाँ हाँ, वरना जमानत दिलाने वाले हम अंदर हो जाएंगे।
सर खाना परोस दिया है। तुम जाके सो जाओ। जी सर। ये क्या ले आया? मेरे एक दोस्त ने अरबिस्तान से लेके आया था, मैं सोचा आपके लिए ग्लास लाता हूँ, मैं खुद पैक बनाऊंगा। रहने दो, अभी बहुत काम बाकी है। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आप बताइए साहब, लाजवंती मुझे बहुत टॉर्चर करती है। टॉर्चर करती है मतलब? खाना पकाने में पति पत्नी की मदद करता है ये समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात और है। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? आ, अभी लाया। लाया। ये क्या बेकार खाना बनाया है? मुंह में रखो तो मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। छी, ये भी कोई खाना है? पका के खिलाता हूँ फिर भी मुझे दुत्कारती है। ये सब तो आम बात है सुधाकर। एक और बात मुझे सही नहीं जाती सर, आजकल वो तो मेरे लिए एक आइस वाटर बॉटल और ग्लास लेकर आओ। जाओ और सुनो, थोड़ा नमकीन भी लाना। जाओ जल्दी। बस इसी बात की कमी रह गई थी इस घर में, नमकीन भी मांग रही है। पानी मिलाए बगैर पूरी बोतल गटक जाती है सर। तुम भी तो कुछ कम नहीं, ऊपर से औरतें शराब नहीं पी सकती, ऐसा कोई कानून भी नहीं है, इसीलिए मेरी नजर में उसने कोई गलती नहीं। मैं जानता हूँ आप उसी की तरफदारी करेंगे, मैं बहस नहीं करूंगा, आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मेरा कहीं दूर ट्रांसफर कर दीजिए। ओहो, अच्छा तो ये रिश्वत के तौर पे ले आया तू? नहीं नहीं, चल उठाइए यहां से। सुधाकर साहब यहाँ ही है। चल दो, गुड नाइट। कहाँ जाओगे? इस समय तो कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। काहे के ऑटो? हुसैन भाई की जमीन पा करूंगा, घर आ जाएगा। हुसैन भाई की जमीन? क्यों? सुना है रात के समय वहाँ बहुत भूत प्रेत घूमते हैं। लाजवंती से तो मैं नहीं डरा, तो भूत प्रेत से का खाक डरूंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ। तुम बस आए और क्या हुआ? हुसैन भाई की जमीन कुछ लोग खोद रहे हैं सर। तुमने ज्यादा पी ली है? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। इतनी रात गए यहाँ जमीन खोदने का क्या मकसद हो सकता है? जरूर दाल में कुछ खाला है सर। कल सुबह पूरी जमीन खोद डालेंगे। जी सर। उस्मान, वहां क्या है देखो। सलीम, सन ऑफ हुसैन। सलीम का पासपोर्ट है सर। या अल्लाह। सलीम बेटे, नहीं अम्मी की खातिर कहीं मत जाना। छोड़ो ना।
मेरी बात मान, मैं तुझे इस तरह घर छोड़ के जाने नहीं दूंगी। छोड़ दो अम्मी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब्बू ने जब कह दिया घर छोड़ दो तो मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। बेटे आप समझाइए ना। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तुमसे और अम्मी से मिलने जरूर आऊंगा, फिलहाल मुझे जाना ही होगा। खामोश क्यों खड़े, आप कहें तो वो मान जाएगा। मेरे बच्चे को रोक लीजिए। आयशा तुम उसे मत रोको, अब्बू की बात पसंद नहीं है तो उसे जाने। मेरा बेटा सलीम। उस दिन जब तू घर से जा रहा था तब अगर मैं तुझे रोक लिया होता तो तुझे इस तरह मारने के नौ बोल। तेरी अम्मी और बेगम से मैं क्या बताऊं मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे, तुझे इस हाल में देखने के लिए इतने लाड़ प्यार से पाला था। या अल्लाह मेरा बेटा। सब इंतजाम हो गया, अब खुश है ना आप? सिर्फ आप ही की वजह से मेरे बेटे की मैयत हो गई, बिल्कुल पत्थर दिल बन के आपने उसे घर से निकाल दिया। आप तो तसल्ली हो गए मेरा बेटा। वो स्केलेटन आपने देख क्यों दिया? इतनी जल्दबाजी क्यों की सर? एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होने के नाते मुझसे पूछ तो लिया होता आपने। किस लिए? उसका हकदार आके मांगे तो क्यों नहीं देंगे? उस लड़के की कमीज मिल गई, उसका पासपोर्ट मिल गया, रिश्तेदारों ने आइडेंटिफाई किया, इससे बढ़कर सबूत और क्या चाहिए? वो कंकाल सलीम का नहीं, ये साबित करने के लिए इससे भी बड़ा सबूत है सर। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग वर्मा? आई एम टॉकिंग सेंस सर। डॉक्टर प्लीज। उस कंकाल के जांच करने से पता चला है कि मरने वाले का कद 6 फीट 2 इंच था। सलीम की लंबाई 6.25 फीट है सर। ये किसने कहा? मैंने पूरी जांच पड़ताल की है। आपने निहायती बेवकूफी का काम किया है। वो उसे ले जाकर दफना देंगे और हम उसे निकालेंगे और यहाँ पे क्या होगा जानते हैं? कौमी फसाद होगा सर। इससे पहले कि वो उसे दफनाए हमें उन्हें रोकना होगा। आपकी क्या राय है सर? यही ठीक है तो ऐसा ही करो। हमसे गलती हो गई, जिस कंकाल को आप दफनाने जा रहे हैं वो सलीम का नहीं है। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, मजाक समझा है क्या? दफनाने का पूरा इंतजाम हो चुका है, वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। रफीक उन्हें बोलने दो। कोई जरूरत नहीं, मैयत पर हाथ लगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है रफीक? ये लोग जनाजा रोक रहे हैं, हम लोग देख लेंगे तुम लोग क्या करते हो। पुलिस वाले कोई भी मनमानी करेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। हम आपको रोक नहीं रहे, चाहे तो आप दफना दीजिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सलीम का ही हो। ये किसका है जानने के लिए इसे फॉरेंसिक लैब पहुंचाना होगा। आप इसे दफनाएंगे और हम निकाल लेंगे, कोई गलती ना हो इसके लिए कह रहे हैं। ये पुलिस वाले कुछ भी कहेंगे हम नहीं मानेंगे। चलो आगे बढ़ो। तू बेवजह क्यों चल रहा है, चल पीछे हो जा। पुलिस सर्जन की जांच से पता चला है कि मरने वाले का कद 6 फुट 2 इंच है और उम्र 40 से भी ज्यादा है। क्या आपके बेटे का कद 6 फुट 2 इंच से ऊपर है? क्या उसकी उम्र 40 से ज्यादा है? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाके किसी से भी जांच करवा सकते हैं, RDO, ADM, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उससे भी किसी ऊपर वाले से जांच करवा सकते हैं। ऐसा ना करके किसी अनजान के कंकाल को दफनाएंगे तो हुसैन साहब आपको अदालत में जवाब देना पड़ेगा। हमें किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं। ये कहने वाला तू कौन होता है? बेकार की बातों में टांग अड़ाएगा तो तेरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं देखूंगा। एक फटका मारूंगा ना तो पत्ती से निकल जाएगी। चल हट पीछे। सर छोड़ दीजिए, ऐसा शक दिल में रखकर ये कौन है जाने बिना? नहीं, हम इसे नहीं दफनाएंगे, आप ले जाइए। उस बलराम के बच्चे ने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक मैयत उठाने के वक्त पर या टपका हुआ कम वक्त, नहीं तो दोनों मसला एक साथ हल हो जाता। अब एक ही रास्ता है, पुलिस वाले से वो कंकाल हम किसी तरह लेकर ही रहेंगे। पुलिस कस्टडी से वापस लोगे? मेरे सामने बेकार की बातें मत करना, ये तेरा स्प्रिट और नकली दारू का धंधा नहीं है। हम आपस में क्यों लड़े? अगर वो कंकाल ले जाते हैं तो ले जाने दो, उससे रखकर वो क्या तीर मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा। Definitely he was more than 45. इनके बाजू की हड्डी पहले से ही टूटी हुई थी, स्टील प्लेट से इसे जोड़ा गया था। ये देखिए, मुझे लगता है कि इससे एक्सीडेंट की वजह से हड्डी टूटी होगी। हटो यहाँ से!
वो स्केलेटन एलेक्स का ही है, आई एम श्योर। एलेक्स कौन है सर? एंटी टेररिस्ट विंग के डीएसपी थे वो एलेक्स, जो ड्रग के केस में मुजरिम बनकर गायब हुए थे वो। हाँ बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब झूठा केस है। मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। चलो बेटे बालू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ये सिर्फ तुम्हारी बात ही मानेगा, बेकार की बातों में ये लोगों से दुश्मनी मोल लेकर हमारी नींद हराम कर रहा है। अब बस भी करो मॉम, बस हो गया। ऐसा नहीं है बालू, रोज कोई न कोई धमकी मिल रही है, खून करेंगे, परिवार को जला डालेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अब तुम दोनों अंदर जाओ, क्रिसमस में मूड खराब मत करो। मम्मी, हमारी वजह से इनका मूड खराब ना हो जाए, चलिए। अरे एलेक्स, ये क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, जब से मैं एंटी टेररिस्ट विंग में आया हूँ तब से ऐसी बहुत सी धमकियाँ आ रही हैं। औरतें हैं ना, डरती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है। सच कहो, किसी गलत आदमी से पंगा तो नहीं ले लिया? तेरी तरह दुनिया को सुधारने की कसम नहीं खाई है मैंने, लेकिन पूरे देश को जला डाले जितना एक्सप्लोसिव आकर उतरे हैं तो मैं कैसे मुंह मोड़ लेता? साफ साफ बताना। गोवा पोर्ट में यूज्ड हाउस होल्ड आर्टिकल्स कहकर एक कंटेनर आया, उसमें हथियारे जानकर हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो गायब, बाद में ट्रेस भी नहीं कर सके। कस्टम्स के एक सीनियर ऑफिसर श्रीवास्तव ने जल्दबाजी से उसे रिलीज किया, इसलिए हमें वो नहीं मिला। तो उसे पकड़ना था ना? नहीं हो सका, उससे पहले वो मर गया एक रोड एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं होगा, किसी ने उड़ा दिया होगा। एक्सीडेंट ही था, मैंने इंक्वायरी की थी। ये कंसाइनमेंट भेजा किसने था? सिर्फ अंदेशा है, कोई सबूत नहीं। नाम तूने सुना होगा, बादशाह। अगर वो कमी ना आए तो सबूत होने का भी फायदा नहीं। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़कर कटघरे में खड़ा किया था। अदालत में सबूत में पेश किया गया गोल्ड बिस्किट डॉग बिस्किट बन गया। इसमें उसका साथ देने वाला वो कुत्ता जॉर्ज ही था। हमारे डिपार्टमेंट में ही ऐसे लोग भरे हुए हैं। वो जॉर्ज आजकल बादशाह का राइट हैंड है, सबसे पहले उसी को ठोक डालना चाहिए। आप कहाँ खो गए थे? नहीं, एलेक्स के घर वालों से कैसे कहूं, और इसे छुपा भी नहीं सकते हैं। उसकी बीवी और मां को कैसे फेस करूंगा? मेरे बेटे की जान ले ली, बार बार उन्होंने धमकी दी थी, मैंने सोचा तुम उसकी रक्षा करोगे। तुम कहकर गए थे ना कि जो जहाँ भी होगा उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अब क्या कहोगे, अब क्या कहोगे बोलो? वो कहीं भी जिंदा है ये समझकर झूठा ही सही हम चैन से रहते थे, लेकिन तुम ये खबर लेके आए हो। पहले सोचा आपको ये नहीं बताऊं, फिर सोचा एलेक्स की अस्थि को एक लावारिस की तरह नहीं दफनाना चाहिए। औलाद नहीं, औलाद नहीं है, आसमान में देख कर गाड़ी चला रही है। मैं नहीं संभालता तो क्या हाल हो जाता? किसने तुझे लाइसेंस दे के भेजा है? दो दो आंख है ना, जिन लड़कियों को स्टीयरिंग पकड़ने नहीं आता उनको गाड़ी देके सड़क पे भेजने वाले माँ बाप है ना, उनको पकड़ के मारना चाहिए। Stop shouting at me, mister. It's your fault. Who gave you the license? You hit my car and you're blaming me? Hey, English बोल के मत डराओ। I also speak English. You know I am editor owner of Jurm Fortnightly. अगर मैंने कलम उठाया तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली वालों को शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ? कांस्टेबल, इस लड़की को मत छोड़ना। रेकलेस ड्राइविंग, तेज रफ्तार से गाड़ी चला के मुझे ठोक दिया और मेरे बाइक को डैमेज कर दिया। गाड़ी निकालो। Why? To where? पुलिस स्टेशन। बीच सड़क में बहस करके ट्रैफिक जाम मत करो, चलो गाड़ी निकालो। इसने मेरी गाड़ी पर ठोकर मारकर मुझ पर ही चला रहा है। Unnecessarily he's barking at me, you know? मैंने पहले ही कहा था मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। बार्किंग यानी भौंकना। क्या मैं आपको कुत्ता दिखता हूँ? ये क्या अलग से बताना पड़ेगा?
क्या बात है? इन्होंने अपने गाड़ी से किसी के बाइक को टक्कर मार दी। किसकी? वो अभी तक यहीं था। फिर इन्हें क्यों रोक के रखा है? जाने दो। सर। सर मुझे एक डाउट है। उस लड़की को आपने बचाया, फिर भी एक थैंक्स कहे बिना चली गई। तुम जानते हो उसे? जी नहीं। पहले कभी देखा ही नहीं। सुनो वर्मा, दिल्ली से कोई आइटम आया है। आईबी और रॉ इन दोनों को मिलाकर एक एंटी टेररिस्ट स्पेशल टास्क फोर्स है ना, उसमें से हमारी मदद के लिए कोई बाहर वाला? हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। दिल्ली वाले हैं, इसके लिए कुर्सी दे देना। ज्यादा करीब लाने की जरूरत नहीं। उसकी काबिलियत देखने के बाद ही उसे केस की ब्रीफिंग देना। सर सॉरी वर्षा, आई हैव जस्ट कम टू जॉइन द ड्यूटी एट माय न्यू प्लेस। कॉल यू लेटर, बाय। यू वी हैव मेट। आई एम वर्मा। ओह यू हियर, आई एम सो सॉरी, वहां पे थैंक्स कहना भूल गई थी। इट्स ऑल राइट, बैठिए। सतीश वर्मा, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, बिलोंग्स टू राजपूत फैमिली, जेएनयू से बीए किया है। मेरी जन्म कुंडली ही आपके पास है? आई एम फ्रॉम आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तब तो सब कुछ मालूम होना जरूरी है, लेकिन एक बात पर धोखा खा गई। आपके सीनियर ऑफिसर मिस्टर बलराम, जो बहुत ही रूड और मेल चौविनिस्ट है, ऐसा मैं दिल्ली में सुनी थी, बट इज वेरी जेंटल, डिसेंट एंड अ स्मार्ट पर्सन। वेल, आई एम ज्योति। आपने अपना डेसिग्नेशन नहीं कहा। नो आप एंड नो डेसिग्नेशन, यू आर सतीश एंड आई एम ज्योति। ओके ओके। हेलो सर, मैं 20, 420। मैं हूँ शिंदे, जुर्म पत्रिका का। हुसैन भाई ने नहीं बताया? अब्बा जान, आपको क्या चाहिए? जुर्म पत्रिका में सलीम के बारे में एक आर्टिकल छापा, तो उसे पढ़कर वो जल्दी घर लौट सकता है। उसके लिए मुझे आप दोनों से दो चार सवाल पूछने होंगे। हमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ना ही हमें कुछ बताना है। मैं आपके मियाँ के कहने पर आया हूँ। वैसे इस तरह के छोटे मोटे इंटरव्यू के लिए मैं अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ, लेकिन सलीम मेरा करीबी दोस्त है, इस वजह से मैं खुद आया हूँ, वो भी हुसैन भाई की जबरदस्ती पर, आप लोगों की मदद के लिए। कैसी मदद? आपके गुमशुदा बेटे को नहीं ढूंढना, उसके लिए मैं आया हूँ। इतने दिनों से जिसे पुलिस नहीं ढूंढ सकी, उसे आप कैसे ढूंढेंगे? पुलिस वालों के तौर तरीके आप नहीं जानती। किसी को भी ले जाके थाने में बंद करके टॉर्चर करेंगे, बाद में पुलिस वाले ही जेल जाते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। एक एग्रेसिव जर्नलिस्ट की काबिलियत का आपको अंदाजा नहीं है। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सर्कुलेशन है मेरी पत्रिका का। वैसे मनोहर कहानियां, सच्ची कहानियां, इस बात को नहीं मानेंगे जलन, मेरी पत्रिका का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन तो अंटार्कटिका में है। तलीम के गुम हो जाने के बारे में दिल को छूने वाली एक स्टोरी, यही मेरा इरादा है। आंसू बहाती हुई बेटे का इंतजार करने वाली एक माँ, मतलब अम्मी जान, मियाँ से अलग होकर जुदाई का गम सहने वाली एक बीवी, इसे पढ़ने के बाद वो जहाँ कहीं भी होगा दौड़ता हुआ चला आएगा। अम्मी जान तो बचपन से उसे जानती हैं, बचपन में वो क्या क्या करता था, अम्मी जान के हाथ का बना हुआ कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद था, मटन बिरयानी, चिकन कुरमा, मुर्ग मुसलम या फिर पाया, इनमें उसका पसंदीदा आइटम क्या था। मियाँ बीवी के संबंध में याद करने लायक कई हसीन लम्हे बीते होंगे, वो क्या है आप बताइए। सलीम थोड़ा बहुत गाता था, गजल का बहुत शौकीन था, उनमें से भी सबसे पसंदीदा कोई गजल होगी वो हमें बताइए। फिर उसे कौन कौन सी कहानियां पसंद थी, कौन कौन सी किताबें पढ़ता था। लेकिन सबसे पहले मनोज जी, इन दोनों की कुछ तस्वीरें खींच लो। ओके। नहीं, तस्वीर मत लीजिए। देखो, उनका नाम लेकर आए हो इसलिए अब तक हम चुप रहे। घर में जब सिर्फ औरतें हो तो ऐसे मौके पर तस्वीर और फिजूल बातें छोड़कर यहाँ से चलते बनो। सलीम के गुम हो जाने से मुझे भी दुख है, उसे ढूंढने में आपसे ज्यादा दिलचस्पी मुझे है, तस्वीर लेने में क्या प्रॉब्लम है? किसकी तस्वीर लेना चाहते हो? अबू, क्या आपने इन्हें बुलाया है? मैंने? ये आलिशान बंगला, ये फर्नीचर जुर्म पत्रिका में लिखने के। बस करो, वैसे भी चारों तरफ से परेशान हूँ और उस पर तुम्हारा जुर्म और अखबार, निकल जाओ यहाँ से। जब आप नहीं होंगे तभी। जल्दी चलो, चलो, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? हाँ है। ये सब आउट ऑफ फोकस है ना? ये सब पुरानी नोटिस प्रिंट किया है। पुरानी नेगेटिव? इस आर्टिकल के बाद उसे पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ेगा। फोटो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फोटो छक के लाओ। बलराम, यहाँ कैसे? काफी दिन हो गए देखे। मैं कुछ भी नहीं भूला, दो बार मुझे लॉकअप में बिठा के मारा था इन्होंने। तब तो प्रताप के नाम से अखबार आता था। प्रताप बंद किया, करना पड़ा। हुआ यूं, मशहूर हीरोइन सुप्रिया की मशहूर प्रेम कहानियां, अरबिस्तान में रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ उसका गलत संबंध, तस्वीर के साथ लेख अगले हफ्ते आने वाला है, क्या कर मैंने इश्तिहार छापा। उसके 2 दिन बाद दो लोग आकर मुझसे 2 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, संपादक आप ही है ना? मैंने कहा हाँ।
सवाल नंबर दो, ये सब आप ही ने लिखा है ना? हाँ कहकर मैंने खत्म भी नहीं किया, फिर क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। होश आने पर मैंने देखा कि मैं बाहर गटर में पड़ा हूँ। बाद में पता चला कि उस फिल्म स्टार का लवर बादशाह के भेजे हुए गुंडे थे वो दोनों। उसी के साथ प्रताप बन जुर्म शुरू। जुर्म पीला नहीं है, सफेद है, प्योर व्हाइट। पहले मैं जिन जिन को मस्का मारता था वो सब आज मेरे सामने सर झुका के खड़े होते हैं। अब बोलो मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूं? वो सब बताता हूँ, पहले उठो तो सही। किस लिए? सर इतना मानना है मारिए, लेकिन मर्मस्थान अवॉइड करना ही बेहतर है हम दोनों के लिए। उसका फैसला हम कर लेंगे। सलीम से तेरा क्या संबंध है? मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं उसे जानता तक। बता तो ये क्या है? सितारों के बीच सबसे बड़ा सितारा जुर्म का संपादक। ए, ये तस्वीर वही है ना जो तेरी जुर्म पत्रिका के पिछले अंक में प्रकाशित हुई थी? सर इस फोटो में जो तेरे पास खड़ा है वो सलीम है ना? बोल। सर हीरोइन के बारे में लिखने के बाद उसने मुझे मारा ना, उस केस को कॉम्प्रोमाइज करा के देने वाला सलीम था। सुप्रिया से मैंने माफी मांगी, बाद में हम दोस्त हो गए। सुप्रिया ने दुबई में जो स्टारनेट किया था साथ में हमें भी ले गई थी। वहां बादशाह ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी, गाना डांस मस्ती। दुनिया ये नाचे मगन में हल लगाए ठुमके, दिल के दर्द गम हर हो जाता है कम, रातें होती हैं जब दिन होता है रम। दिल के दर्द गम अरे हो जाता है कम, रातें होती हैं जब दिन होता है नम। और शराब पी के होले होले झूम ले, काहे की है या कैसी शर्म। आह सुहानी शाम है भर भर आगे बढ़ तोड़ दे कसम। मस्तियों के आई है घड़ी, रात भर मस्ती मैंने छाई के कदम। मस्तियों की आई है घड़ी, रात भर मस्ती मैंने छाई के कदम। मेरी धुन पे दुनिया ये नाचे मगन में हल लगाए ठुमके। नहीं यहाँ की हर शहर है निराली, नहारने जीत यहाँ प्यार है रीत यहाँ, इश्क की मिलती है प्याली। प्यारी के तारों से सजी है ये जमीन, साजों के तारों से गूंजी है ये जमीन। प्यारी के तारों से सजी है ये जमीन, साजों के तारों से गूंजी है ये जमीन। मस्तियों की आई है घड़ी, रात भर मस्ती में नचाएंगे कदम। कसम टूटती है हर धर्म टूटता है असर ऐसा इस जगह में। जब किसी साथी का साथ जब छूटता है डूब जाता है वो शहाबी, फिर याद भूल के भी आता वो नहीं। मुड़
के वो यार को बुलाता वो नहीं, फिर याद भूल के भी आता वो नहीं, मुड़ के वो यार को बुलाता भी नहीं। यहाँ जो भी आता है दिल बाग बाग हो जाता है, मस्ती में खो जाता है, यहाँ के रंग में रंग जाता है। शराब पी के होले होले झूम ले, काहे की है या कैसी शर्म, सुहानी शाम है भरा भरा जाम है, आगे बढ़ तोड़ दे कसम। मस्तियों की आई है घड़ी, रात भर मस्ती में नचाएंगे भरम। मस्तियों की आई है घड़ी, रात भर मस्ती में नचाएंगे भरम। उसके बाद सलीम और मैं और करीब आ गए थे। बादशाह के एजेंट की हैसियत से सलीम के साथ तू भी काम करता था, क्या ये सच नहीं? आप लोग और दो मुक्का मारेंगे तो वो भी कबूल कर लूंगा। सच बात यह है कि सलीम के चाल चलन देखकर मैं उसे छोड़ दिया। सलीम के चाल चलन में क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम यह है कि वो बादशाह का राइट हैंड आदमी बन गया था, और बादशाह कौन है ये पूरी दुनिया को मालूम है। बादशाह और सलीम के करीबी ताल्लुक के बारे में तुम्हें कैसे पता? नहीं तो सलीम बादशाह की प्रेमिका फिल्म स्टार सुप्रिया के घर बार बार क्यों जाता है? बादशाह और सलीम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो फिल्म स्टार सुप्रिया से पूछना ही अच्छा है। एक आखिरी सवाल, आप सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बड़ी बड़ी साउथ की पिक्चर्स में भी काम कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल में हॉलीवुड की फिल्म करने की ख्वाहिश नहीं है? नेचुरली यस। इसके अलावा और कोई एम्बिशन? जरूर है, परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। कम ऑन, क्लियर अप, क्लियर अप। चलो यहाँ से सब लोग बाहर, हमें यहाँ पर जरूरी काम है। चलिए चलिए, हाँ, चलो हटो हटो, रुकावट मत बनो, हमें आप सबका सहयोग चाहिए। हटाओ कैमरा, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा, चलो बाहर। देखिए मुझे आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। ये कौन है? मेरी सेक्रेटरी। ठीक है, इनसे कहिए जरा एक तरफ हो जाए। तुम लोगों से कहा ना हट जाओ यहाँ से। तुम लोग भी बाहर जाओ। नहीं, तुम लोग यही रहोगे, सामने आ जाइए। मेरा नाम बलराम है, एक बहुत बड़े केस की तहकीकात से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछने आया हूँ। बादशाह को जानती हैं आप? हाँ। कैसे जानती हैं? वो प्रोड्यूसर है, फाइनेंसर है, फिल्मी हीरो या प्रेमी? आई मीन लवर। जी हाँ। सुन लिया, प्रेमी है, नोटोरियस इंटरनेशनल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसने इतने जुर्म किए हैं कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसे तो भी काफी नहीं होगा। ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन से मैडम जी की मुलाकात कैसे हुई और किस हालात में हुई, बोलिए। कम ऑन, मुलाकात हुई बस इतना ही। इस तरह बचने की कोशिश मत कीजिए। आई वॉन्ट फुल डिटेल्स। सॉरी सर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज माई बिजनेस। शराफत से जवाब देने में ही भलाई है, अगर फिल्मी डायलॉग बोलोगी तो मुझे पुलिस के तरीके अपनाने पड़ेंगे। कम ऑन, चल मैं। सर थोड़ा प्यार से ये इंक्वायरी। मेरे पास इतना ही प्यार है, तुम्हें पूछना तो पूछो। और तुम लोग कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, चलो यहां से। इस बादशाह के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही आपने उसके साथ मेलजोल बढ़ाया और प्यार किया? और मक्खन लगा के क्यों नहीं पूछते? सर मुझे पूछने दीजिए ना। हाँ पूछो पूछो पूछो, बोलिए, घबराने की कोई बात नहीं। जी हाँ, सब कुछ जानने के बाद ही मैंने उनसे प्यार किया। सब कुछ जानने के बावजूद प्यार किया? यही तो मैंने आपसे कहा। क्यों, जी भर गया? प्यार से पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा। कमान मैडम, बादशाह से आपकी कब, कहां और कैसे मुलाकात हुई? एक बार बादशाह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन के लिए मैं दुबई गई थी। फंक्शन के बाद मुझे इंडिया वापस भेजने का जिम्मा बादशाह ने अपने बिजनेस पार्टनर सुरेश मारवा को दिया था। होटल में लौटने के बाद सुरेश का रवैया बदल गया। बादशाह, ये इज आवर गेस्ट, बिहेव प्रॉपर्ली। 10 लाख जो दिए हैं वो सिर्फ रिबन काटने के लिए नहीं, उसमें सब कुछ शामिल है। नॉट सपोज्ड टू एक्ट चीप, गेट लॉस्ट। सॉरी सुप्रिया, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो रिश्ता तब शुरू हुआ था वो आज भी कायम है? जी हाँ। सलीम को जानती हो?
हुसैन साहब नाम के करोड़पति का बेटा जो हाल ही में उग्रवादी बन गया था उस सलीम के बारे में पूछ रहा हूँ। उसे तुम अच्छी तरह जानती हो, इसकी जानकारी हमें है। जानती हूँ। बादशाह के जरिए उससे मुलाकात हुई? जी। कहाँ पर? दुबई में। सलीम इस घर में आता है? आता है। अभी भी आता है? काफी दिनों से नहीं आया। इस वक्त वो कहाँ है? नहीं जानती। बादशाह यहाँ आया करता है? यहाँ रहा करता है? अच्छा ये बताओ कि वो रात यहाँ बिताता है या नहीं? अच्छा ठीक है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। आई होप यू विल कोऑपरेट। कमान स्टार्ट। कमान दिस साइड। सर ये ऊपर वाले कमरे से मिली। इसका लाइसेंस कहाँ है? नहीं जानते। मिस्टर बेल्ला। पीछे आओ। कमान। कुछ तो बोल के जाइए सर। लेकिन इसका कसूर क्या है? बिना लाइसेंस की पिस्तौल इसके पास से बरामद हुई है, देख लिया? एमएलए मैडम आर्म्स एक्ट के बारे में नहीं जानती ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन गिरफ्तार करके इसकी बेइज्जती तो मत कीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बदले में आपको कुछ कबूल करना होगा। क्या? यही कि ये पिस्तौल आपकी है और आपके कहने पर यहाँ रखी गई थी, ठीक है? फिक्र मत करो प्रिया, दो चार फोन करने की बात है। स्टेशन पहुंचने से पहले तुम्हारा रिलीज ऑर्डर पहुंच जाएगा। ओके मैडम, आप गाड़ी में बैठ जाइए। एमएलए मैडम आप जाइए, आपको दो चार फोन जो करने हैं। कम ऑन गेट इन, चल अंदर जा। सुनो, यहाँ दाल चावल नए कैदियों को नहीं देते। वार्डन के हाथ पांव पकड़कर ले आई हूँ, खा लो। क्या सोच रही हो? कल से देख रही हूँ पानी की एक बूंद तक नहीं पी, बीमार पड़ जाओगी। जो है खा लो। कल्याणी दीदी, किसे खिला रही हो तुम? इसे ये सब पसंद आएगा? मीट मछली खाने की आदत है, ये सब इसके गले से उतरेगा? ये सड़ा हुआ चावल और सब्जी, ये तो इसके मुंह लगाने की बिलाई नहीं, नहीं। तो तुम उसकी बातों पर गौर मत करना बेटी, खा लो। कितनी खुशबू है। कौन सा साबुन लगाती हो? ये खुशबू तो बालों से आती है। चाहे जैसी भी खुशबू हो, चार दिन हमारे साथ रहेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। सारी सीक्रेट बातों का हैंडल करने वाली डिपार्टमेंट है पुलिस की, लेकिन अफसोस उसी डिपार्टमेंट से हर बात लीक हो जाती है। जब एक जरूरी बात करने का मौका आया तो अकेले मिलना ही बेहतर समझा, इसलिए तुम्हें रूबरू मिलकर बात करने के लिए बुलाया। सर मिनिस्टर मुस्तफा ने फोन किया था, बहुत जरूरी काम से मिलना ही कहा। मिला, उन्होंने कुछ बातें कही,
वो क्या है तुमने अंदाजा लगाया ही होगा। अंदाजा लगाया सर, सिर्फ मंत्री मुस्तफा ही नहीं, उसके चचेरे भाई रफीक, एमएलए रानी मिश्रा, एक्सपोर्टर जॉन वर्गीस, शराब का ठेकेदार सुंदरेश, और इन सब के पूजा के कमरे में देवी देवता से ज्यादा अहमियत देकर श्रद्धा से पूजा जाने वाला वो देवता है बादशाह, उसने भी फोन किया होगा। कितना संगीन है ये मामला ये मैं जानता हूँ सर। मुझे मालूम था कि तुमसे यही जवाब मिलेगा। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ भुगता, फिर भी सबक नहीं सीखा। एक बार उसके खिलाफ चार्ज किए हुए केस को अदालत ने खारिज कर दिया तो उसके बदले की भावना से उसे हराने के लिए निकल पड़े हो तुम। हुसैन की जमीन से बरामद किए हथियार और एक मामूली पिस्तौल के बीच गहरा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो बालो, व्हाई आर यू सो क्रूयल, व्हाई आर यू मैनिपुलेटिंग थिंग्स। आपका एक्सप्लेनेशन और कंपैरिजन तो बहुत बढ़िया है सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ शक की बुनियाद पर घर की तलाशी लेते वक्त पिस्तौल बरामद होती है। आम सेट के मुताबिक एक सीधा साधा केस रजिस्टर किया तो मुजरिमा फिल्म स्टार और देवता की प्रेमिका होने की वजह से बलराम क्रूअल है। बंजर जमीन से मिले हथियार के पीछे जिस पर हमें शक है उसके साथ उस फिल्म स्टार के संबंध है, ऐसा निष्पक्षता से कहा तो बलराम मैनिपुलेटर है। मुझे कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है सर, इस डिपार्टमेंट में रहकर जितने जुल्म सितम मैंने सहे उतने शायद ही किसी ने सहे होंगे सर। साथ काम करने वाले ऑफिसर्स की धोखाधड़ी की वजह से मैं एक विद्यार्थी की मौत का जिम्मेदार बना। मैंने कातिल ना होते हुए भी जेल की सजा काटी। सारी दुनिया की जिल्लत, गाली, धुतकार सब कुछ सहा मैंने। जो लड़की जिंदगी में आखिर तक मेरे साथ रहने वाली थी उसे खो दिया मैंने। उसके बाद जो अनाथ लड़की मेरी जिंदगी में आई और उससे जन्मी मेरी बेटी, दोनों को खो दिया मैंने। सिलसिला यही खत्म नहीं होता। कमिश्नर हरिदास, डीवाईएसपी एलेक्स, डीआईजी श्रीधर, इंस्पेक्टर जॉन, एसआई माधव राणे, हेड कांस्टेबल मोहम्मद बशीर जैसे कितने लोग थे। इनमें से कोई मेरा जिगरी दोस्त था, कोई कलीग था, कोई गुरु था, सबके सब मेरे अपने थे। इनमें से कोई भी अपनी जिंदगी जीकर नहीं मरा है, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, बादशाह के हाथों या उस जैसे सामाजिक दुश्मनों के हाथों मारे गए हैं ये लोग। उन जल्लादों के सामने उंगली उठाई तो बलराम क्रूअल एंड मैनिपुलेटर, बहुत कुछ भुगतने के बाद जिंदगी से कोई सबक न लेने वाला बेवकूफ। बताइए ना सर, अब मुझे जिंदगी से क्या क्या सबक लेने हैं, बताइए ना सर, बताइए। एक बात मेरी समझ में आ गई है, इस राज्य के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचे ओहदे पर रहने वाले आप मुझ जैसे मामूली डीवाईएसपी से मिलने यहाँ तक चले आए हैं, वो इसलिए नहीं कि मैं कोई खास आदमी बन गया हूँ, बल्कि इसलिए कि उसके उस बादशाह के पांव डगमगाने लगे हैं। मैंने उसकी दुख तिरक पर हाथ रखा तो वो तिलमिला उठा। एक लड़की की गिरफ्तारी ने इस हद तक उसमें हलचल पैदा की है तो अब आप हिम्मत करके उसके चमचों से कह दीजिए कि बादशाह अब अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दे। तो तुम्हारा यही फैसला है? यस सर। इसके अलावा एक और रास्ता है सर, जस्ट आस्क हिम टू किल हिमसेल्फ एंड बैनिश अवे। बस जमानत ही एक सहारा है, ये लोकल वकीलों की बस की बात नहीं है। दिल्ली में आपने मंत्री के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 2-3 वकीलों से बात की। It is quite unpleasant, Mr. George. तुम सबके होते हुए प्रिया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। I'm sorry, बादशाह। बेल का पूरा इंतजाम हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता। इस बीच में हम जमानत। Hell with your जमानत। I want her out today, now, this moment। ये नामुमकिन है बादशाह, कोर्ट कचहरी का मामला है। मुमकिन है, nothing is impossible। तुम एक DYSP हो ना? Frame a case against her। कैसा केस? सुप्रिया ने धोखाधड़ी की, प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी दी, या फिर सुप्रिया ने औरत जात की बेइज्जती होने वाली कोई बात कह दी। उसके खिलाफ एडवोकेट रानी मिश्रा MLA विमेंस राइट एसोसिएशन की तरफ से की गई कंप्लेंट पर पूछताछ करें। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन सेक्शन 509 सिंपल। ना उन्होंने कोई बात की है ना ही कोई कंप्लेंट है। बात भी कही है, कंप्लेंट भी की है, वी कैन क्रिएट इट। इस तरह के केस में मुलजिम से पूछताछ करने की कौन सी अदालत इजाजत नहीं देगी? अगर इजाजत मिल भी गई तो उन्हें 2 दिन से ज्यादा हम अपने पास में। 2 दिन नहीं चाहिए, सिर्फ 2 घंटे चाहिए। यू प्रोसीड, लीव द रेस्ट टू मी। सुप्रिया से पूछताछ करने के लिए पुलिस कस्टडी में सौंपने का ये कोर्ट का ऑर्डर है। पूछताछ के लिए किस केस में? किस केस के लिए इस ऑर्डर में लिखा है आप पढ़ के देख लीजिए। औरत जात पर बेइज्जती होने जैसी उन्होंने कोई मीडिया में बात की है उसी पर हमें कंप्लेंट मिली है, उसी सिलसिले में पूछताछ करनी है। ओ समझ गया।
रिलैक्स रिलैक्स टेक इट इजी। समझ लो फिल्म में कोई ऐसा कैरेक्टर किया था। सर झूठ बोलने वाले को भांडा फोड़ने का मशीन होती है ना? हाँ लाई डिटेक्टर। हाँ अगर वो होती तो हम सारे केस को पलभर में सॉल्व कर सकते थे। अरे उसमें गड़बड़ है, उसे सबसे पहले तेरी पोल खुल जाएगी। इसकी बीवी इसी को गिरफ्तार करके अंदर कर देगी। Excuse me, I'm Basha from Dubai. Smuggler, drug dealer, arms dealer. इस तरह से लोग मुझे कई नाम से पुकारते हैं, but I don't care for that. मैं आपके DYSP से मिलना चाहता हूँ, Mr. Balram. बाहर गए हुए हैं, क्या बात है? खास कोई बात नहीं है। उन्हें मुझसे कोई गिला शिकवा या दुश्मनी है तो मुझसे सीधे नहीं पटना चाहिए, ना कि जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उसे झूठे केस में फंसा कर जेल में डालकर टॉर्चर करें। मैं यहीं पर हूँ और यहीं रहूंगा, सब कुछ आमने सामने हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ये उनसे कह देना प्लीज। मैं चलता हूँ, जल्दी में हूँ। हेलो, इन्हें जानते हैं? सुप्रिया, सुप्रिया माथुर, एक्ट्रेस। अपनी ईमानदारी को बेच खाए चंद पुलिस वालों की मदद से छुड़ाई गई इस लड़की को मेरे सामने क्यों लेकर आए? अपना गुरूर दिखाने या मुझे चैलेंज करने? ऐसे ही समझिए, आपके गलत तरीके से बनाए गए केस की वजह से जेल में डाली गई सुप्रिया माथुर को बिना किसी तकलीफ के मैंने रिहा करवा दिया। दैट्स माई पावर। आपकी मुझसे दुश्मनी होगी, होगी नहीं है, आई नो दैट, बट मिस्टर बलराम उसका बदला लेने का ये तरीका नहीं है। इट वॉज सो मीन, अनफेयर एंड चीप। उससे भी चीप तरीके से तुमने मुझे पराजित किया है। रुपए और अपनी पहुंच की बदौलत तुमने यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को खरीद लिया, कानून और इंसाफ की बेइज्जती की। इन सब में इस्तेमाल हुआ रुपया तुमने कैसे कमाया मैं जानता हूँ, वो किस हद तक चीप है ये भी मैं जानता हूँ। नो मिस्टर बलराम, मनी इज नॉट दैट चीप, इट हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आई बाय एनीथिंग फॉर अ प्राइस। कीमत दिए बिना मुफ्त में क्या क्या हासिल किया बताऊं मैं? विस्फोट में राख बने मासूम लोगों की लाशें, उनकी जिंदगी की क्या कीमत लगाई है तुमने? आखिर में सीने पे सर पे गोली लगे मेरे दोस्त DYSP एलेक्स के कंकाल की क्या कीमत लगाई है तुमने? तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ मिस्टर बाशा? हाँ हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। वो इसलिए नहीं कि तुम मुझे पहले एक बार हरा कर भाग गए थे, बल्कि मेरे बहुत सारे लोगों को मार दिया इसलिए। हो सकता है फिलहाल तुम जीत गए हो, लेकिन ये मत समझना कि मैं हार गया हूँ। हारेंगे, हारे बिना नहीं रहेंगे मिस्टर बलराम। हर कोई हर एक के खिलाफ हर वक्त जीत नहीं सकता, हार भी नहीं सकता। बादशाह जीतने का आदी है बलराम, जीत कर ऊपर आया है और जीतता ही रहेगा, आपसे और आपके कानून से। जीत सकते हो, यहाँ की सबसे बड़ी अदालत को भी अपने काले धंधे से कमाए यूरो डॉलर की ताकत से खरीद कर जीत सकते हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे तुम पैसों से नहीं खरीद सकते हो। उनमें से एक मैं हूँ, बलराम। स्टील से बने तीन सितारे और तीन अंग्रेजी अक्षर से मिले अधिकार से आधे जिले की रखवाली करने वाले हैं आप बलराम। यू आर टू स्मॉल अ प्रे फॉर मी। 9 मिलीमीटर लंबी बारूद की सिर्फ एक गोली काफी है दुनिया पर हुकूमत करने वाले तेरी खोपड़ी छलनी करने के लिए। एंड आई एम लाइसेंस टू किल। ट्राई योर ब्लडी लक। रो क्यों रही हो तुम? सुधाकर की तरफ से डाइवर्स नोटिस ही तो आया है ना, अदालत का फैसला तो नहीं आया? उसे आने दो, मैं उससे ये डाइवर्स नोटिस विड्रॉ करवाता हूँ। आजकल वो घर पे भी नहीं आते, आपके कहने पे तो मैंने ये सब किया था। मैंने जो कहा उससे ज्यादा तुमने किया। क्या क्या सब? मैंने दारू पीने के लिए कहा था। वो कसम से मैंने दारू नहीं पी, ब्रांडी की बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स भर रखी थी उन्हें डराने के लिए, लेकिन अब लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरे बच्चों के बाप है सर, अगर तलाक हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सर। हाँ सुधाकर, तुम्हारी पत्नी लाजवंती ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, उसकी इंक्वायरी के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। मैं शिकायत पढ़ूं? मेरे पति SI सुधाकर द्वारा मुझ पर होने वाले जुल्म की वजह से ये शिकायत दर्ज करवा रही हूँ। कैसा जुल्म सर? बेहिसाब शराब के नशे में धुत होकर मेरा शारीरिक शोषण करना, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करना, उबलता पानी बदन पर फेंक कर जलाना, इस तरह का टॉर्चर वो हमेशा करता रहता है। मानसिक संतुलन खोया हुआ मेरा पति कभी भी मुझे जान से मार सकता है, इसलिए आप कृपया मेरी जान की रक्षा के लिए कार्रवाई करें। ASI सुधाकर के खिलाफ औरतों पर जुल्म करने के आरोप में भी सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश करती हूँ। अब तुम बोलो। ये सब एकदम सफेद झूठ है साहब, मैं इस पर नहीं, ये मुझ पर जुल्म करती है, पति पर जुल्म, जस्ट अपोजिट ऑफ IPC 498A 304B सर। सुधाकर,
एक औरत अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करे तो उसे अंदर करने के लिए सबूतों और गवाहों की जरूरत नहीं, कानून पुलिस अदालत सब औरत का ही साथ देंगे। तुम्हारे खिलाफ एक्शन ना लेना पड़े इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा सर। तो ये डाइवर्स नोटिस विथड्रॉ कर लो, मंजूर है? मंजूर है सर। लाजवंती, सुधाकर तुम्हें भेजा हुआ डाइवर्स नोटिस विथड्रॉ कर रहा है। अब तुम ये शिकायत वापस ले रही हो? ले रही हो कि नहीं? ले रही हूँ सर। तो लाओ अपना हाथ दो मुझे सुधाकर। अरे दो ना, शर्माती क्यों? अब दोनों खुशी खुशी अपने घर जाओ। और एक बात, फौरन मैटरनिटी लीव मांगने मेरे पास मत आना। चलो जाओ, आप मुड़ के मत देखो, जाओ। तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डोंट बी एडमेंट प्रिया, मैंने कहा ना मुझे और भी बहुत काम है। लंदन में तुम अकेली नहीं हो, हमारा ऑफिस है, घर है, और फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मौसमी भी तो है ना? तुम भी मेरे साथ चलो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। मैं आऊंगा ना, तुम यहाँ रहोगी तो मेरा टेंशन और बढ़ेगा। टेंशन टेंशन, यू हैव मेड एनफ। तुम अपना ये बिजनेस छोड़ क्यों नहीं देते? कांट वी लिव पीसफुली? मुझसे मेलजोल बढ़ाना, प्यार करना, ये सब गलत हो गया ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं। तो फिर मेरी बात मानो प्रिया, तुम्हारे बिना मैं अकेली नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं भी आता हूं। मेरे और प्रिया के फ्लाइट में बैठने तक तुम्हें हमारे साथ रहना होगा जॉर्ज। एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। बलराम तो दूर, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारे कहे मुताबिक पासपोर्ट टिकट वगैरह पहले ही पहुंचा दिया है, बोर्डिंग पास तक वो बना के रखेंगे। फिर इमिग्रेशन, एयरलाइंस में सब अपने ही लोग हैं, वो सब संभाल लेंगे। बस सुप्रिया एक फिल्म स्टार है, इसलिए पब्लिक अटेंशन अवॉइड करने के लिए कुछ करना होगा। वो सब मैं देख लूंगा। एयरपोर्ट जाने के लिए प्रिया को तुम अपनी गाड़ी में ले जाना, ठीक है? Mr. Basha. Yes. She is safe. Now we can go. Thank you. Okay. Supriya. Madam, कहाँ जा रही हैं? इस केस की पूछताछ के लिए इन्हें छोड़ा गया है? औरत जात को बदनाम करने के केस में। हेलो, मैं इनकी पूछताछ क्या एयरपोर्ट पे हो रही है वर्मा? बड़ी फिल्म स्टार है ना सर, इसलिए वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। बुर्का पहन लोगी तो चौधरी का चांद वाली बायदा रहमान समझने वाला बेवकूफ नहीं है ये बलराम। यू आर अंडर अरेस्ट। देख हर। व्हाट इज दिस? स्टील से बने ये तीन सितारे और अंग्रेजी के ये तीन अक्षर में सीमित अधिकार को इस्तेमाल करके आधे जिले की रखवाली करने वाला इसे गिरफ्तार करके ले जा रहा है। रिमांड में रहने वाली पुलिस को धोखा देकर भागने की कोशिश करने के जुर्म में, ठीक है ना? नाउ यू ट्राई योर लक। टेक हर। तुम्हें कहा था ना एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। बलराम बलराम कोई नहीं जानेगा, फिर ये क्या हुआ? मैंने तो सेफ ही किया था बादशाह, इस बीच में ये सब कैसे हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया, शिट। हेलो, चलाना।
छात्र को छोड़ दो। छोड़ना मुश्किल है, हम इन्हें ले जाएंगे। ले जाओगे मगर जिंदा नहीं। क्या तेरे बस की बात है? देखना चाहते हो? हाँ। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग रही थी, पुलिस ने गोली मार दी। अब बोलो। अब सामने से गाड़ी हटाओ। तुम फिर से आ गई? सुना कि दुबई का कोई सुल्तान तुम्हें उड़ा के ले गया? ऐसा क्या हुआ जो तुम दोबारा यहाँ लौट आए? इसे हमें छोड़ के जाने का मन नहीं करता होगा। तो चुप रहे। तुम पिछली बार आई थी तभी मैं तुमसे पूछना चाहती थी। तुमको फिल्म में नाचते गाते हुए मैंने देखा है, अब हमारे लिए भी थोड़ा नाच के दिखाओ ना। हमें भी तो टाइम पास चाहिए, कि भाई क्या बोलती हो? हाँ हाँ मजा आएगा, नाचो। बेचारी पहले से ही दुखी है, तुम लोग और क्यों सताते हो? तुझे क्या? सुनो कल्याणी दीदी, तुम इसके बीच में मत आओ। अच्छा, हमने सुना है कि सिनेमा में लड़कियां नकली बाल रखती हैं। ये नकली नहीं है दीदी, असली है। सब कुछ असली नहीं होता, बहुत कुछ नकली होता है। जरा मैं भी तो देखूं। तूने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे मारा। क्या हाल कर दिया। एनीवे, हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। कहाँ ले जाओगे? फिलहाल एक हॉस्पिटल में, वहाँ सारी सहूलतें मिलेंगी। इट्स अ स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और फिर हम सब तुम्हारे साथ रह पाएंगे। प्रिया, नो, मैं नहीं चलूंगी। ये क्या बोल रही हो? हम कितनी तकलीफें उठाकर ये ऑर्डर लाए हैं, शायद तुम नहीं जानती। और मैं जानना भी नहीं चाहती, किस कसूर के लिए मैं यहाँ लाई गई हूँ? आखिर मैं ये जुल्म क्यों बर्दाश्त करूँ? किसी पुलिस ऑफिसर से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। प्रिया, अगर मुझे यहाँ से ले जाना है तो इज्जत से ले जाना होगा, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी। यही पर ही मर जाऊंगी, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो सुप्रिया। I don't want to hear anything. Please go. उसे और क्या चाहिए? पूरे 5-स्टार फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में मैं उसे ले जा रहा था, उसके लिए कितने लोगों के पांव पड़ा, अपनी पोजीशन और इज्जत को भूलकर फिर भी आने के लिए इनकार कर रही है, तो मैं क्या करूं? I can't stand this. उसका गुरूर और क्या है, हम ये सब बर्दाश्त करें, यही हमारी गलती है। बादशाह के एक इशारे पर दुनिया की एक से एक खूबसूरत लड़की उसकी चौखट पर खड़ी हो जाएगी, फिर ऐसे एक फिल्म एक्ट्रेस के पीछे क्यों पड़ा है, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो उनका निजी मामला है, उसके लिए हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं ठहराऊंगा, उस सिनेमा वाले के साथ उसके जो संबंध है मुझे पसंद नहीं, हमारे एक स्टेटस है, इज्जत है। बादशाह की खातिर एक सिनेमा वाले की मनोज शक्ल देखना मेरे ओहदे और शान के खिलाफ है। इट्स सो चीप। बोलते हुए रुक क्यों गए मिस्टर जॉर्ज? मैं चीप हूँ या मेरा काम का चीप है, लेकिन मेरे पैसे चीप नहीं, मेरे इन्फ्लुएंस और गुडविल चीप नहीं। वो सब तुम अपनी पर्सनल, ऑफिशियल या बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो चीप, और उसके साथ मेरा जो रिश्ता है वो चीप है ना, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ वो चीप नहीं है। सो प्रेशियस, प्रेशियस देन एनीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स, क्योंकि तुम सबको बादशाह नाम के बिजनेस टाइकून की जरूरत है, लेकिन वो बादशाह नाम के एक शख्स को चाहती है, इसलिए अगर उसे कुछ हो जाए या उसे खो देना पड़े ये मैं सह नहीं सकता। अगर ये काम तुम्हारे बस का नहीं, आई कैन टेक केयर ऑफ हर, ओके? और हाँ, मेरे नाम की आड़ में तुम लोग कुछ भी करो और मैं इसी तरह रिएक्ट करूं ये जरूरी नहीं है। आई एम बादशाह, रियल बादशाह, माइंड इट, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं। आई वॉन्ट एन अपॉइंटमेंट विद द CM, यस नाउ। ऐसी हालात का सामना करना पड़ रहा है, इसका मुझे अफसोस है। This idiot Balram is taking personal vengeance on me. लेकिन उसके लिए उस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? सुप्रिया को तो आप जानती ही हैं ना? पिछले साल की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आप ही ने अपने हाथों से दिया था उसे। इस तरह की लड़की किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम करती है और सोफिस्टिकेटेड आर्म्स में डील करती है, ये इल्जाम लगाओगे तो कोई मानेगा? एक्सेंट्रिक बने उस ऑफिसर को अपने औकात में ना रखा तो आई विल बी फोर्स्ड टू रिएक्ट।
मुझे क्या करना होगा आप ही बताइए। इस केस के इन्वेस्टिगेशन से उसे हर हाल में हटाना होगा, दैट्स ऑल। तहकीकात ठीक से हुई या नहीं इसका पता लगाऊंगा। ये छोड़कर किसी अफसर को तहकीकात से हटाना मुश्किल होगा। मुश्किल है तो ठीक है, आई रिपीट, मुझे अपने तरीके आजमाने पड़ेंगे। माइंड योर वर्ड्स, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। अच्छा किया आपने ये बात मुझे याद दिलाई। आप समेत सत्ता दल के और विपक्ष दल के नेताओं ने चुरा कर और लूट कर बनाए गए काले पैसों को धोके सफेद करके तुम सबकी ख्वाहिश के मुताबिक अलग अलग कंपनियों और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे सौंपे है ना। वो मैं आपको याद दिला दूं कि उनमें से एक फूटी कौड़ी मैं आपको नहीं दूंगा। अरे बादशाह भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब उस लड़की को कुछ नहीं होगा। बलराम ये तहकीकात जारी नहीं रखेगा, ठीक है? सीएम साहब को मैं समझाऊंगा। ओके, सॉरी सर। ये कैसे होगा मुस्तफा? करना होगा सर, मंत्रिमंडल बचेगी तभी मंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। आप ये मत भूलिए। नाउ यू आर फ्री प्रिया, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम पूरी तरह आजाद हो। अब तो चलोगी ना? मुझे पहले से इस बात की उम्मीद थी कि इस केस से मैं निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप भी उन कमीनों का साथ देंगे। अगर तुम बादशाह को अंडरवर्ल्ड डॉन मानते हो तो ये तुम्हारी अकेले की राय होगी, बाकी लोग तुमसे सहमत नहीं है। जानता हूँ, हमेशा जिन्होंने उसकी मदद ली है वो सहमत नहीं होंगे। मंत्री मुस्तफा की धमकी से डर कर आपने भी तो सर। बलराम तुम कुछ भी कहो कोई फायदा नहीं, उसके खिलाफ जो केस चार्ज किया था सरकार ने विड्रॉ कर लिया। बेवजह उसे इस केस में घसीटने के लिए सब लोग तुमसे नाखुश हैं। नाखुश तो होंगे ही सर, मशहूर फिल्म स्टार बादशाह भाई की प्रेमिका, मंत्री लोग और पुलिस ऑफिसर्स चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि वो बेकसूर है, शिकायत करेंगे। लेकिन इस केस से संबंधित एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के डीवाईएसपी एलेक्स की मौत को लेकर किसी को शिकायत है, हमदर्दी है? उसकी बूढ़ी माँ और बीवी बच्चों पर क्या गुजरी है कोई जानता है? नहीं ना। लेकिन एलेक्स को मारने वालों को पकड़े बिना मैं इस तहकीकात से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो भी हो जाए। बालू, बेवकूफी मत करो, डिपार्टमेंट की मर्जी के खिलाफ तुम ये तहकीकात आगे बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकता हूँ सर, और मुजरिमों को पकड़ूंगा भी, बशर्ते तब तक ये टोपी मेरे सर पे रहनी चाहिए। कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हुई है, ये तहकीकात बलराम को सौंपना ही सबसे बड़ी भूल थी, वो भी आपके जबरदस्ती। अरे मेरी नहीं, डीजीपी की। उसने बलराम के नाम पर जोर दिया तो मुझे भी मानना पड़ा। एक बात और है, पब्लिक के बीच अच्छी इमेज वाला है बलराम, उसके जुरिस्डिक्शन में होने वाली तहकीकात ने उसे शामिल नहीं किया होता तो वो काफी था मीडिया वालों को गला फाड़ने के लिए। खतरा बलराम से नहीं है, बादशाह से है, ही इज द रियल डेंजर। सही है, पहले उसे काबू में लाना होगा। अच्छा, उसके कुछ साथी भी है ना, वो जान मैथ्यूस और तुम्हारा रफीक वगैरह, उनमें से कितने लोग हमारे साथ आएंगे? एमएलए रानी मिश्रा को छोड़कर बाकियों पर भरोसा कर सकते हैं, उन लोगों में अभी से फूट शुरू हो गई है। चाहे जो भी हो जाए, उसे उस बादशाह को नहीं छोड़ूंगा, कहा तो वो खोखले अल्फाज नहीं थे, जानबूझकर कहा था मैंने। किस लिए? मैं पूछ रहा हूँ किस लिए? उसके जैसे एक खतरनाक डॉन को पकड़ने और कानून के सामने लाकर सजा दिलाने में मुख्यमंत्री को कोई दिलचस्पी नहीं है और सरकार को भी दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कानून को भी उससे डर है सर, फिर हम क्या उसके पीछे पड़े? इतने सारे लोग उसके साथ उस तरफ हैं, तो एक बलराम भी इस तरफ होना चाहिए ना। जानने दीजिए सर, जो किसी को नहीं चाहिए वो हमें किस लिए? तुम तो ऐसा ही बोलोगे, उसी की बिरादरी के हो ना, जनता को लूट कर धोखा देकर जायदाद इकट्ठा किए हुए राजघराने की आखिरी कड़ी, पूरे शरीर में चर्बी भर कर जीने वाले तुम जैसों के लिए पुलिस की नौकरी सिर्फ एक हॉबी है। मेरे लिए ऐसा नहीं, इट्स माय लाइफ, आई एम लाइसेंस टू किल। जब मैंने उससे ऐसा कहा था तो यूं ही नहीं कहा था, व्हेन आई से आई मीन इट। ए तू क्या कर रहा है? ए बिल्ला, जरा 500 रुपए देना, मैं पर्स लाना भूल गया। उधार समझ के देना। आपसे 500 रुपए उधार जो लिया था मिस्टर बादशाह। हाय बलराम, सब कुछ ठीक हो गया, केस ही बंद हो गया, मुझे केस से हटा दिया गया, अब अपनी प्रेमिका के साथ शहर छोड़ सकते हो, तुम्हारे रुपए तुम्हारी इन्फ्लुएंस। लेकिन बादशाह, हमेशा किस्मत तुम्हारा साथ देगी ये मत सोचना, एक ना एक दिन तुम्हारे तमाम काले करतूतों के लिए गिन गिन के तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। उस दिन इस देश की जनता पागल कुत्ते की तरह तुम पर पत्थर फेंक के मारेगी और ये बलराम वो नजारा देगा। बलराम,
जो कहते हो वो करके दिखाना चाहिए और जो कर सकते हो वही कहना चाहिए। ऑल द बेस्ट। प्लीज। थैंक यू मिस्टर जॉर्ज। सी यू। सन, तेरे अंदर कोई गैरत है कि नहीं? छोड़िए भी। अरे रुकना है। ये सब छोटी गालियां इसके लिए। इन सबसे बेहतर एक शब्द है, वो मेरी जुबान की नोक पर है। बलराम। हाँ ये मेरा नाम है। क्या उस कमीने के चंद रुपयों के लिए तूने मुझे धोखा दिया? ले जा। कमीने, तबे जाना। रिश्वत खोर। पूछना है, बाद में पूछना है। देख लूंगा साले को, छोड़ूंगा। सर मैं जरा फ्रेश हो गया था। ठीक है। कल का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। उस वक्त मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फुटपाथिया नहीं हूं। तुम्हारे लिए तो सब कुछ चलता है। दारू का ठेका हो या वाइन शॉप, यूनिफॉर्म में हो तो भी पी के हल्ला मचाने वाला तुझ जैसा इंसान कहीं भी किसी से भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। कुछ बोलने का मन हो तो हिसाब चुकता करने आया है। हाँ। सर छोड़ दीजिए। क्या हो गया आपको? पुलिस वालों में थोड़ी बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए। उस होटल लॉबी में भी आप इनके साथ बहुत बुरी तरह पेश आए सर। तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? जी हाँ, आपकी निजी जिंदगी में काफी तनाव है ये मैं जानता हूँ, लेकिन आपको यह हक नहीं बनता कि आप किसी के साथ भी बदतमीजी करें। बस करो। जब देखो खुलेआम लड़ने लगते हैं गली के कुत्तों की तरह। ये वर्मा का है? वो लीव लेटर देकर घर चला गया सर। क्यों, उनके घर में कोई खास बात? जी नहीं, कल आपने उन्हें बहुत दुखी थे वो। उनका घर कहाँ पता है? पता करूंगा सर। क्या इंस्पेक्टर सतीश वर्मा का घर है ये? माँ, भैया से मिलने कोई आया है। कौन आया है? अंदर आइए। आपको पहचाना नहीं। मैं बलराम। ओह, सतीश आपके बारे में बोलता है। क्या सतीश घर पर है? अब नौकरी वगैरह नहीं चाहिए कह के अपने कमरे में बंद है।
बेटी भैया को बुला लो जी। आप ही उसे थोड़ा समझाइए, घर में इतने सारे कष्ट हैं और इस बीच अगर वो नौकरी में नहीं गया तो बहुत मुश्किल होगी। सर आप यहाँ तुम्हें से मिलने आए हैं। पिताजी है ना? हाँ पिताजी, ये हमारे DYSP हैं बलराम साहब। नमस्कार जी। आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? दोनों ही नहीं चाहिए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? चाय और कॉफी नहीं पियेंगे, ये कहा, खाना खाएंगे, जैसा भी होगा चलेगा। क्यों तकलीफ होगी? आप हमारे मेहमान हैं, आपके लिए खाना बनाने में हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर हम खाना खा कर ही जाएंगे, जब तक खाना बनता हम गपशप करते हैं। यहाँ तक पहुँचने में और घर ढूंढने में काफी दिक्कतें हुई। क्यों सतीश, राजघराना, शाही खानदान और घर का ये हाल? बरसों से यही हालत है सर। कहने के लिए राजपूत खानदान है, पिताजी ब्रजभूषण सिंह वर्मा, जवानी में अय्याशी और जुए, माँ महेश्वरी वर्मा, तीन बहनें। अपनी तकलीफें सुनाकर दूसरों का मूड खराब क्यों करें? मुस्कुराहट सबको अच्छा लगता है, इसलिए मुस्कुराहट का नकाबपन रखा है। दरअसल मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आया हूँ, आई एम सॉरी। तुम तो मेरा नेचर जानते हो, बस अचानक गुस्से में आकर। सर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे आपसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस गलती की वजह से ही। बस अब कुछ मत बोलो, इस केस से मुझे हटा दिया गया है लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम मेरा साथ दोगे? जरूर सर। तो इस केस की तहकीकात हम लोग ही करेंगे। ये कैसे मुमकिन है सर? हुसैन साहब ने अपने बेटे सलीम के गायब होने की शिकायत दर्ज की थी? दर्ज तो की थी बहुत पहले, मगर वो केस तो क्लोज कर दिया है सर। तो फिर वो केस पुलिस द्वारा रीओपन करवाने के लिए हुसैन साहब अदालत में एक अर्जी दे देंगे। मेरे बेटे को गायब हुए कई महीने हो गए हैं, पुलिस में रिपोर्ट देकर भी कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए अदालत से मेरी दरखास्त है कि मेरे बेटे को ढूंढ निकालने के लिए जिला पुलिस विभाग को आदेश दे, ऐसी एक एप्लीकेशन लिखकर दे दीजिए, इससे काम हो जाएगा। लेकिन उससे क्या फायदा होगा सर? आप दर्ज कीजिए, बाकी काम हम देख लेंगे। और आज ही देना है, चलो। उनकी अर्जी देने के बाद भी पता नहीं कोर्ट का फैसला कब होगा, तब तक हम बेकार बैठेंगे। किसने कहा हम बेकार बैठेंगे, तहकीकात तो शुरू हो गई है। मरने वाले DYSP एलेक्स ने एक बार असिस्टेंट कस्टम ऑफिसर श्रीवास्तव का नाम लिया था। उसकी तो मौत हो गई है ना सर? सिर्फ उसी की मौत हुई है ना, उसकी पत्नी और डिपार्टमेंट में उसके बाकी साथी ये सब तो जिंदा है ना, हम उनसे शुरू करेंगे। मिसेस गिरजा श्रीवास्तव जी। हाँ आपने हमें पहचाना, हमने ही फोन किया था। अपने पति के साथ पहले से ही आप कस्टम डिपार्टमेंट में काम करती आई हैं? श्रीवास्तव जी सर्विस के दौरान ही गुजर गए, इसलिए मैडम को ये नौकरी मिली। हमने आपसे तो नहीं पूछा ना, हमें इनसे अकेले में बात करनी है, प्लीज। सर श्रीवास्तव की मौत एक्सीडेंट से हुई या नहीं? मैं नहीं मानती कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे एक्सीडेंट करार देकर फाइल क्लोज कर दी। उन्हें कोई भी करार देने दीजिए, श्रीवास्तव का कत्ल हुआ ऐसा लगने की वजह? उनके मरने से 2-3 दिन पहले कोई हमारे घर पर आया था। कौन था वो? मिस्टर बाशा, आप हथियारों के व्यापारी हैं मैं जानता हूँ, एन इंटरनेशनल आर्म्स डीलर। सही है। एक कंटेनर भर के आपने हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो भेजे थे, असल में वो सारे के सारे हथियार ही थे ना? वो सब मैंने मान लिया ना, और किन हालात में शिपमेंट यहाँ पहुंची ये भी मैंने बता दिया। मैं आपकी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता, यहाँ के आतंकवादियों को आप हथियार भेज रहे हैं। एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री के प्रति पोर्ट के अफसरों में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसका फायदा उठाकर आपने शिपमेंट सुप्रिया के नाम पर भेजा, यही सच है ना? ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, ऐसे गुनाहगारों को जेल की सजा नहीं फांसी देनी चाहिए। मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज अंडरस्टैंड मी, आई एम डेस्परेट, मैंने जो भी कहा वो सब सच है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऐसा मत कहिए, आप जो भी कहेंगे, जो कुछ भी, मैं तैयार हूँ। कितने लाख चाहिए? क्या? नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आप जितना भी मांगेंगे आई विल गिव इट। मेरी खातिर नहीं सर, मुझ पर बहुत भरोसा करने वाली, बेहद प्यार करने वाली एक लड़की की खातिर, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट माई प्रेयर, प्लीज। इम्पॉसिबल, आप जैसे क्रिमिनल्स को प्यार किया इसलिए उसे भी सजा मिलनी चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। You may get out, Mr. Srivastava. मतलब आप नहीं मानेंगे? I say just get out. Cool down, cool down. बेटे आपका नाम क्या है?
कृष्णा। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में। आप अंकल के साथ चलोगे? When you'll release my consignment, then I'll release your son. बेटा। बाशा। बेटा। और उस धमकी की वजह से वेपन्स को छोड़ दिया है ना? जी, उस घटना के बाद उन्होंने। आपने इसके बारे में पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत करके भी कोई फायदा नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था ना यहाँ के पुलिस वालों के एटीट्यूड के बारे में। लेकिन उनमें से एक ऑफिसर ईमानदार निकला। कौन था वो? उनका नाम एलेक्स था। जैसा मैंने आपको बताया, उनको भी सारी बातें बता दी। उन्होंने मेरा बयान लेकर कोर्ट और दूसरी जगह पर इंक्वायरी भी की थी, सबूत भी मिल गए थे। जल्द ही इस बादशाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे कहकर वो वहां से गए थे। न जाने क्यों बाद में कुछ नहीं हुआ। फिलहाल बलराम का पीछा छोड़ गया, लेकिन वह मौके की तलाश में। ख्याल रहे, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तू क्या खाक करेगा, बेकार में रोम मत झाड़। ये बहस किस लिए? हम लोग सी ऑफ करने आए हैं ना। बादशाह, एक मिनट। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सलीम का केस रीओपन करने के लिए हुसैन भाई के जरिए बलराम को कोर्ट से ऑर्डर मिला है। वैसे सलीम के गायब होने की तहकीकात हो या बंजर जमीन के हथियारों की तहकीकात, बलराम की मंजिल एक ही होगी। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कौन है वहां? मुख्यमंत्री भी दर्शन के लिए जिनके द्वार चले जाते हैं उस देवता का, इस बलराम का गरीब खाने में कैसे आना हुआ? तुम अपनी ओवर स्मार्टनेस बंद नहीं करोगे है ना? नहीं, सलीम के गायब हो जाने की इंक्वायरी में जानता हूँ तुम्हारा असली मकसद क्या है। मैं भी जानता हूँ, जानकारी शुरू की, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बंद कर दूंगा। बलराम, नाम वही, आदमी भी वही है। बोलो, किस तरह तुम्हें तोल के देना पड़ेगा जिससे तुम खुश हो जाओ, ताकि इस परेशानी से पीछा छूटे? सोना, जमीन या कुछ और, जल्दी से कहो। यू हैव बिकम एन इरिटेशन, एन इचिंग प्रॉब्लम फॉर मी। तुमने मेरा चैन छीन लिया है। मैं भी थोड़ा बहुत सुकून से जीना चाहता हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए, अपनी रजामंदी से दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ा दीजिए बस, ताकि मैं उनमें हथकड़ी पहना सकूं। इतना ही चाहिए। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, या फिर उनके भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उनसे जाके बोलो कि ये केस डिसमिस करें। तो तुम नहीं बदलोगे? यू विल रिमेन अ प्रॉब्लम फॉर मी फॉरएवर। यस, दैट्स फाइन। मुझमें एक खास बात है, पहली बार मैं समझा देता हूँ, दूसरी बार मैं जबरदस्ती करता हूँ, उसके बाद मार डालता है। आखिर तू है क्या? तेरी ऐसी बातें सुन के चौंकने वाले, हिलने वाले, चड्डी में पेशाब करने वाले कुछ लोग होंगे जो खादी पहन के तेरे पीछे घूमते हैं, उनसे जाके बोल। बहुत से लोगों ने कोशिश की इस बलराम को मारने की। अरे यमराज, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तू क्या चीज है? ये केस छोड़ो और कहीं दूर चले जाओ, वरना जो जान यमराज को नहीं चाहिए वो मैं निकाल लूंगा। कुछ भी करने से नहीं डरता ये बादशाह, लेकिन अब एक आम आदमी की तरह जीने की ख्वाहिश है मेरी, तो अब तुम मेरे आड़े मत आओ। तुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। किसी भी चाबी से ना खुलने वाले ताले से तुझे बंद करूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, लेट्स ट्राई आवर लक देन। ठीक है, लेट्स ट्राई आवर लक। बोलता है साला।
क्या बात है, ये ट्रिप तुमने कैंसिल क्यों किया? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? एक बार कहा ना कुछ नहीं। रो मत, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, सॉरी। तुमने कभी भी मुझसे रूठकर बात नहीं की, तुम अंदर ही अंदर मुझे कुछ छुपा रहे हो, वो क्या है तुम बता नहीं सकते, या फिर वो सब जानने का मुझे कोई हक नहीं। मुझ पर अगर किसी का हक है तो वो तुम्हारा है। इतने दिन तक तुमसे ये बात छुपाई कि तुम खामखा परेशान ना हो। मेरे बिजनेस पार्टनर सुरेश मारवा को तो जानती हो, उसकी की हुई 420 और मैनिपुलेशन का पता मुझे चल गया था। आखिरकार हमने पार्टनरशिप तोड़ दी, उसके बाद वो कोई भी बिजनेस नहीं कर पाया, इससे वो मुझसे बहुत खफा हो गया। तो ही ट्राइड टू ट्रबल मी अलॉट, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। बट ही ट्राइड अनदर ट्रिक, हमारी कंपनी का पुराना नाम यूज करके, जैसे मैं तुम्हारे नाम से हाउस होल्ड आइटम्स बेच रहा हूँ, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्ट हुए सेकंड क्वालिटीज के एक्सप्लोजिव्स और आर्म्स एक कंटेनर भर के तुम्हारे पते पर भेजे। पता चलते ही मैं यहाँ आ पहुंचा, कस्टम वालों के सामने हाथ पैर जोड़कर रिलीज करवाया, फिर उसे छुपाने का जिम्मा सलीम और हमारे लोगों को सौंपा। उसी के कुछ हिस्से हैं जो अभी उस बंजर जमीन से बरामद हुए हैं। मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो गया है, पर वो DYSP बलराम इज डिगिंग अप माय पास्ट एंड ही इज आफ्टर सलीम। सलीम अगर पकड़ा गया तो उसे तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगा वो बलराम, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन ट्रबल एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हम दोनों मिलकर सह लेंगे, सब मेरी गलती है, एक्टिंग का भूत सवार था। तुमने जब एक्टिंग छोड़ने को कहा मैं नहीं मानी। कोई बात नहीं, लेट्स फेस इट, जो होगा देखा जाएगा। जल्दी आओ। अब्बा से लड़ने के सिवा सलीम के घर छोड़ने की और भी कोई वजह थी? बोलो। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो बहुत घबराए हुए थे, ठीक से सोते भी नहीं थे, अगर कभी सो भी जाते तो चौंक कर उठ जाते थे, मुझे मत मारो कहकर चिल्लाते थे। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर रहने के लिए जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना कहकर चले गए। अब उसे झगड़ा करके नहीं, किसी और वजह से चले गए, मैं जानती थी। अब सलीम कहाँ है? मैं नहीं जानती। तुम किससे बात कर रही थी? घर में 2-3 फोन होने के बावजूद बूथ पे जाके कॉल करने की क्या जरूरत थी? बोलो, सच सच बोलो। अरे बोलना। नहीं, उन्हें कुछ मत कीजिएगा। सलीम कहाँ है मैं जानता हूँ, एक बार वहां मैं गया हूँ। I'll call you back. ये तो बेकार की परेशानी है। आइए। कोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद भी बलराम सलीम को नहीं पकड़ पाएगा, ये कहा था ना तुम लोगों ने। अब क्या हुआ? बलराम और उसका ग्रुप सलीम को ढूंढने निकल पड़ा है। निकल पड़ा ही है ना, वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन सलीम को पकड़ नहीं पाएगा। ये तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या सलीम मर गया है या तुम लोगों ने उसे मार दिया है? अब भी हमें सलीम से डरने की जरूरत है? जरूरत है सलीम, बलराम के हाथ लग गया तो खतरा है, ये तो तुम सब भी जानते हो, लेकिन जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। सलीम पकड़ा गया तो उसका असर बाकी लोगों से ज्यादा सुप्रिया पर पड़ेगा, ये तुम जानते हो।
सलीम की बेगम से पूछताछ करने के दौरान ही वो कहाँ है ये बात शौकत के जरिए बलराम को पता चली है। सलीम को हमने सीरियस नहीं लिया, ये बात सच है। और सीरियसली कभी नहीं लोगे, यही हकीकत है। कभी ऐसा नहीं सोचा कि सलीम की बीवी से पूछताछ की जाए? ये तुम क्या बोल रहे हो बादशाह? बात यह है कि वो हुसैन भाई की जमीन से कितने हथियार बरामद हुए? 48 फीट लंबा एक कंटेनर भर के हथियार। खोद कर निकाले कितने? 4 और 3 7 बंदूकें। बाकी हथियार कहाँ गए? तुम में से अकेला इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। तुमने वो बेच खाए मुझसे एक बात भी कहे बिना। वो किसको बेचे और कितने में बेचे ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं है ना? किसी अनजान आदमी के भेजे हुए हथियार थे, जमीन में बड़े बड़े जंग लग जाते, इसलिए हम लोगों ने निकाल कर उन्हें बेच दिया। समुंदर में फेंको या जमीन में गाड़ो, ऐसा कहने वाला मैं खुद उन्हें बेचकर पैसे कमा सकता था। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? इस तरह मेरी पीठ पीछे क्या क्या बिजनेस किया इसका हिसाब मैं जानता हूँ। दूसरे हिसाब की बात करेंगे तो हमें भी पूछना पड़ेगा तुमसे। इस हिसाब के बारे में तुम लोग जानना चाहते हो? ठीक है, हिसाब करते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया उसके बदले में तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? बोलो, मैं लौटा देता हूँ। तुम लोगों के ओहदे, इन्फ्लुएंस, जिंदगी के ऐशो आराम, सब कुछ मेरी दी हुई भीख है। और दिया है तो वो मेरे और मेरे करीबी लोगों की रक्षा के लिए। इस तरह दूसरों के सामने साहब बनकर रौब जमाने के लिए नहीं। ये सब तुम्हारा सब कुछ अभी इसी पल मैं चाहूं तो छीन सकता हूं। बादशाह को तो तुम जानते हो ना, आई मेक जनरल्स टू कंट्रोल द किंग्स एंड विल नेवर अलाउ अ जनरल टू कंट्रोल मी। अब इस मामले में तुम लोग कुछ करने का काबिल ही नहीं हो, बल्कि कुछ करने का मन भी नहीं है तुम्हारा। बादशाह ने सब कुछ अकेले बनाया है, सबका अकेले सामना किया है, अब भी ऐसा ही करूंगा। अब मेरा काम मैं खुद कर लूंगा, मगर एक बात मत भूलो कि तुम लोगों के काले करतूतों की तिजोरी की चाबी है ये बादशाह। गुड लक। हम लोगों के काले करतूतों की तिजोरी की चाबी है बादशाह बोलकर गया। कह रहा था मेरा काम मैं खुद देख लूंगा। इतने दिनों से अपनी इज्जत और हैसियत को भूलकर हमने जो कुछ किया वो भूल गया। उस दिन उसकी वो माशूका है ना, उसके लिए उसने जो तोहफा भेजा था खुद मुझे जाकर देना पड़ा। कल उसके अंदर के कपड़े धोने के लिए कहेगा तो वो भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सब सहना जरूरी है। यूनिफॉर्म पहनने वाले मुझे जितनी जिल्लतें सहनी पड़ी हैं उतनी तुम लोगों ने तो नहीं सही है ना। बिजनेस में बादशाह ने हमारी बहुत मदद की। अगर मदद की है तो दुगना काम हमने भी किया है। हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर उसने हमसे कितना गलत काम करवाया है। सीएम, अरे तुमने बुलाया इसलिए आया हूँ। ये सब बातें टेलीफोन पे नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ आने को कहा है। उस दिन बादशाह ने मुझे धमकी देकर उस लड़की के मामले में ऐसा करवाया, एक तरह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये किस्सा खत्म करना होगा, उसके लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा सीएम सर। बिल्कुल, उस दिन मुस्तफा सहित सभी ने बादशाह की तरफदारी की। मंत्रिमंडल नहीं बचेगी तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा, कहा इसने। है कि नहीं? उस दिन मजबूरी से मुझे कहना पड़ा। देखा जाए तो हम सब मजबूर है। अपने तरीके से समस्या का हल निकाल सकता हूँ मैं, मुझे बस आपकी इजाजत चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सामने बादशाह है ये मत भूलना तुम लोग। कहां पर है? यही आसपास कहीं है। पास है मतलब? अंधेरा होने की वजह से कुछ बता नहीं पा रहा हूं, सुबह होने के बाद मैं जगह दिखा सकता हूं। चल आजा आजा। अरे इस तरफ चलना। इस होटल में बार भी है, यहाँ सब मिलेगा। बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ। और ऊपर से ठंड भी। जो मैंने कहा था वो याद है ना सर? सलीम मुझे हर हाल में जिंदा चाहिए। जिंदा? Yes, I want him alive.
गैस रानी आ जाओ। सीएम के बुलाने पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें मैं भी शामिल था। रानी उसमें आप शरीक नहीं हुई? मुझे नहीं बुलाया, वजह जानते हैं ना? इतना पता चला है कि उस मीटिंग में जो चर्चा हुई वो आपके अनुकूल नहीं है। सुंदरेश, क्या क्या फैसला लिया गया? मेरे और रानी जी के अलावा बाकी सब लोग अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, सीएम और मंत्री मुस्तफा भी। सुनो रानी, रिया के लिए। उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं संभालूंगी। थैंक यू, चलता हूं। ठीक। देखिए वो रहा। कमीने, पकड़ दिया मुझको। भाग भाग जा, रुक जा। तुम लोग उस तरफ जाओ, घेरो से घेरो। भागने मत देना उसको। मैं देख के भागने की कोशिश क्यों की? मैंने सोचा आप लोग मुझे मारने आए हैं। आप लोग पुलिस वाले हैं ये मैं नहीं जानता था। कौन है वो जो तुझे मारने आ सकते हैं? वो बादशाह और उसके आदमी। जी हाँ। तू भी तो उसी के गिरोह का है ना? हाँ, लेकिन अब नहीं है। वजह? मजहब के नाम पर हम कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया था रफीक ने। उसके साथ कई बार दुबई गया हूँ मैं। बादशाह और फिल्म स्टार सुप्रिया से मेरी वही मुलाकात हुई थी। ड्रग स्मगलिंग और हवाले का धंधा सब मजहब के नाम पर ही तुम लोग करते थे ना? और कोई चारा नहीं था सर, उनकी धमकियों की वजह से हमें ये सब करना पड़ा। इस बीच मेरे दोस्त जमाल को उन्होंने सऊदी अरब भेज दिया। वहाँ के एयरपोर्ट में उसके पास से करोड़ों के ड्रग्स बरामद हुए। वहाँ के कानून के मुताबिक उसका सर कलम कर दिया गया। इसके पीछे काम करने वाले रफीक से हमने पूछताछ की। दूसरे दिन हम में से दो लड़कों की लाशें पाई गई। मुझे यकीन था कि उनका अगला शिकार मैं ही हूं। अब्बाजन से लड़कर नहीं, इस डर की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा।
घर से बैग लेकर निकलते वक्त मैंने सोचा सारी बातें डीवाईएसपी एलेक्स साहब से कह के जाऊं। डीवाईएसपी एलेक्स को तुम पहले से जानते थे? सर, शक के बिना पर एक बार उन्होंने मुझसे पूछताछ की थी, मैं उनसे मिलने गया। हाँ, क्या है सलीम? गोवा पोर्ट में उतरे हथियारों के बारे में आपने पूछा था ना? उस दिन मैंने जो भी कहा सब झूठ था साहब। हकीकत क्या है अब बताता हूँ, वो सब कहाँ गाड़ा गया है चलिए मैं दिखाता हूँ। चलता हूँ, उस केस की फाइल के साथ मैं डीजीपी से मिलने जा रहा था। छुपाए गए हथियार पक्के सबूत बन सकते हैं। कहाँ पे? इसी जगह पे सर। डीवाईएसपी जॉर्ज ने एलेक्स को गोली मारी, मैंने अपनी आंखों से देखा। जान बचाकर भागते हुए मेरा बैग वहीं पर गिर गया। एलेक्स ने तुम्हें जो फाइल दी थी वो कहाँ है? वो गांव छोड़ने से पहले अब्बू के प्लाईवुड फैक्ट्री के ड्राई एयर चैम्बर में रख दिया था सर। कहाँ है वो फैक्ट्री? सर, यहाँ गोलीबारी चल रही है। Who's that? नहीं जानता सर। क्या? और भी हमले हो सकते हैं, सबसे पहले एक काम करो, इसे जो फैक्ट्री बताइए वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, यहां पर मैं संभालता हूं। कमल, क्विक निकलो यहां से। सर, मैं भी जाऊं? हां, जल्दी जाओ। तुम वहां देखो। सतीश। हाँ।
थैंक यू। क्यों ताजुब हो रहा है वर्मा? ज्योति इज माई गर्ल। जब तहकीकात में तेरे बॉस ने मुझे शामिल करने से इनकार कर दिया तो मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। दैट्स मी। आई एम सॉरी वर्मा। मैं यहाँ गेस्ट हाउस में हूँ। जॉर्ज वो फाइल लेकर कहाँ गया होगा मैं जानता हूँ। अब आगे क्या करने वाला ये भी मैं जानता हूँ। कुछ फैसला ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है तुम्हारे खिलाफ। वो सब मैं देख लूंगा। दरअसल मैं वहीं जा रहा हूँ। थैंक यू। बादशाह, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो छलनी कर दूंगा। अब सबूत नहीं चाहिए, गवाह भी नहीं चाहिए और ना ही कोई अदालत। आई एम द लॉ, आई एम द स्टेट एंड आई एम द एग्जीक्यूटर। देखो तुम जो चाहे बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। तू एक वहशी है, अ ब्लडथर्स्टी मॉन्स्टर एंड अ बुचर, नरहत्या को खेल समझने वाला एक आदमखोर भेड़िया। चाहे जितना भी वैची है, जहां का कानून और सियासत तेरी मदद के लिए आ जाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तेरे सामने घुटने टेकते हैं। तेरी ख्वाहिशें चाहे जितनी भी घटिया क्यों ना हो, वो लोग पूरी करते हैं। ड्रग्स और हथियार के धंधे से और स्मगलिंग के जरिए तू जो करोड़ों कमाता है, उन काले रूपों से यहाँ की सरकार और संविधान को खरीदता है। आतंकवादियों को हथियार देकर देश भर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवा के तूने हजारों को मारा। उसकी तहकीकात करने वाले डीवाईएसपी एलेक्स को मार कर दफना दिया और उसके चश्मदीद गवाह बने सलीम को भी। आखिर में जिसे मैंने अपना छोटा भाई समझा, उस वर्मा को भी मार दिया तूने। I will not spare you। तुमने ये जो लाशों का हिसाब दिया है, उसके लिए गवाह या मुजरिम बनने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे जाना है हर कीमत। नहीं, तू कहीं नहीं जा पाएगा बादशाह। मेरा जाना जरूरी है। मैं कह चुका हूँ मेरे मामले में दखल मत दो। बलराम, डोंट मेक मी डेस्परेट।
सॉरी बलराम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। साहब आप मत सोचिए, बादशाह जहां भी मिले उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर पास कीजिए। आप देख सकते हैं सर, उसके खिलाफ सारे एविडेंस इस फाइल में हैं। हमारा करोड़ों उसके पास है, वो भी मुंह जुबानी, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। सब कुछ खोना पड़े तब भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा डीजीपी को लाइन मिलाओ। अच्छा, हम एक मीटिंग में। मीटिंग नहीं, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। हाँ, कॉन्स्पिरेसी ही है। तुम एक वांटेड क्रिमिनल हो, तुम्हारे सारे गुनाहों की कहानी इस फाइल में है। वेल सेड मिस्टर चीफ मिनिस्टर, वेल सेड। बंजर जमीन से बरामद हथियार, तुमने अपनी माशुका सुप्रिया के नाम भेजे थे उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, और उन हथियारों के इस्तेमाल से पूरे देश को तबाह करने वाले टेररिस्ट ग्रुप के साथ तुम्हारे और उस लड़की के संबंध, उन टेररिस्टों की मदद के लिए सुप्रिया के जरिए तुम्हारे भेजे गए करोड़ों रुपयों का हिसाब, सब कुछ इस फाइल में है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यू हैव मैनिपुलेटेड इट सो वेल मिस्टर। मतलब ये सब मैंने किया है, तुम लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है। ग्रेट ग्रेट, गलत लोगों के हाथ में ना आए ये सोचकर हथियारों को गाड़ दो कहने वाला मैं टेररिस्ट, उन्हें बाहर निकालकर टेररिस्टों को बेचने वाले तुम सब देशभक्त। योर डिस्कवरीज आर ग्रेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दीज फाइल्स कैन नॉट इनक्रिमिनेट मी, इफ सो यू कैन अरेस्ट मी सर। अगर तू बच भी गया, तेरी वो माशुका है ना सुप्रिया, वो जिंदगी भर जेल में चक्के पीसती नजर आएगी। कोई बात नहीं, एंड दैट्स द लिमिट, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो ना। यस, सुप्रिया के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उसे बचाने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। मेरे साथ हर तकलीफ सहने के लिए वो तैयार है, वो चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, इसलिए वो धमकी मुझे मत देना। अब मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। वो सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यू हैव एंड यू विल। Hey, जबान संभाल के बात कर। Shut up, you bloody petty cop! How dare you stop me? I'm talking to the chief minister of the state. पिछले 4-5 सालों से मुख्यमंत्री पद का गलत इस्तेमाल करके आपके कमाए करोड़ों का हिसाब, वो सब कहां और कैसे डिपॉजिट किया, इसका ट्रू एंड डिटेल्ड सीमेंटेड प्रूफ सब मेरे पास है। मेरे नाम से तुम्हारे सिंडिकेट द्वारा की गई लूट, बेरहम कत्ल, ड्रग्स का धंधा, ऐसे सब काले चिट्ठों का मैं खुलासा करूंगा। सिर्फ एक एलेक्स का कंकाल ही बाहर निकाला गया है, किन किन लोगों की लाशें कहां कहां दफन है ये मैं जानता हूं। I will dig them all out. ऐसे कई गुनाहों के चश्मदीद गवाह होने के नाते सलीम को जिंदा पकड़ने की मेरी कोशिशों को नाकाम कर दिया इस कुत्ते ने, this police butcher. सलीम को इसने गोली मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे खिलाफ इस फाइल में मौजूद एक एक डॉक्यूमेंट्स के बदले तुम लोगों के खिलाफ 100-100 डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। तुम्हारी धमकियां नहीं चलेंगी, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, किंग मेकर होने का अहंकार है तुम्हें। नो, आई एम नॉट द किंग मेकर। Kingmakers are the public, the society, the common man, the proletarian. मैं उस जनता के बीच जाने वाला हूँ, and I will confess myself. मगर तुम में से किसी को भी मैं यूं नहीं छोड़ूंगा। I will expose each and every one of you. And dear Mr. Chief Minister, your Waterloo has begun, and I am the Terminator. मैं तुम लोगों के खिलाफ बोलने वाला सबूत बन जाऊंगा। I will be a talking document against you. Talking document बनने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। Away from me and keep your position as the chief minister of the state. Oh.
तूने जो किया करवाया सब मैं जानता हूँ जॉर्ज। बलराम, बच के भागने वाले इस खतरनाक मुजरिम को रोकने वाले अफसर को तुमने गोली मारी? किसने बचने की कोशिश की, किसने रोकने की कोशिश की, ये सारी कहानी मैं जानता हूँ सर। एक घंटे पहले इसे मारने की कोशिश कर रहा था मैं, अब सिर्फ इसलिए बचाया कि इस राज्य के इतिहास में सबसे भ्रष्ट और घटिया हुकूमत करने वाले आप, आपके खिलाफ गवाह बनाकर पेश किया जा सके। मुख्यमंत्री पर हुकूमत करेगा, तेरी औकात क्या है? मैं सिर्फ एक मामूली DYSP हूँ सर, ये आप जानते हैं, लेकिन आपकी असलियत में अब जान गया हूँ। इस राज्य की सरकार और जनता के साथ आपने जो धोखा किया उसकी सजा आपका इंतजार कर रही है, और इस मामले में पूरी तैयारी करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और मिस्टर बादशाह, तुम गवाह बनो या सरकारी गवाह बनो, तुमने गुनाह किया है वो हर हाल में गुनाह है, उसका फैसला होने तक तुम मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत करना। I'm sorry मिस्टर बलराम, मैं किसी की मेहरबानी का मोहताज नहीं, मुझे कटघरे में खड़ा करने के लिए तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? एक मामूली केस भी मेरे खिलाफ दर्ज कर पाओगे तुम? नहीं, नहीं हो सकता मिस्टर बलराम, लेकिन सिर्फ इन लोगों को सजा दिलाने के मकसद से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। This time Lady Luck is with you, Balram. मुझे एक मर्डर करते हुए तुमने खुद देखा है। You are an eyewitness of a murder. Arrest me. मैं वापस आऊंगा, इंतजार करना।